बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ सिस्टेमिक सर्जरी EFI रिवीजन। तो इसमें हम SCQs पे फोकस करेंगे, इसके अलावा कुछ MCQs पे फोकस कर लेंगे। MCQs पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है 2 घंटे की, तो स्टार्ट करते हैं। डिसफेजिया वाला टॉपिक है, तो जब भी आपके पास पेशेंट डिसफेजिया का आता है तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो डिसफेजिया है यानी जो स्वॉलविंग है इनिशिएट नहीं हो पा रही, या जो फूड है इसोफेगस पे स्टिक कर रही है। अगर स्वॉलविंग इनिशिएट नहीं हो पा रही तो ओरोफेरिंजियल डिसफेजिया होता है, और अगर फूड इसोफेगस के साथ स्टिक हो रही है दैट मीन्स इसोफेजियल डिसफेजिया होता है। ओरोफेरिंजियल डिसफेजिया के कॉजेज को आपने 2 में डिवाइड करना होता है, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चरल। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का निमोनिक होता है MMS, माइसथीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और स्ट्रोक है, जबकि स्ट्रक्चरल कॉजेज के अंदर जेनिकल डायवर्टिकुलम है और इसोफेजियल वेब होता है। इसोफेजियल वेब आपको देखने को है प्लमर विल्सन सिंड्रोम के अंदर। इसके बाद इसोफेजियल डिसफेजिया होता है। इसोफेजियल डिसफेजिया को 2 में डिवाइड करना है। अगर जो डिसफेजिया होता है लिक्विड्स के लिए ज्यादा होता है तो वो मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है, अगर ये सॉलिड्स के लिए ज्यादा है तो वो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होता है। लाइक मोटिलिटी डिसऑर्डर के अंदर हाइपोमोटिलिटी के अंदर इक्लेजिया, और हाइपर मोटिलिटी के अंदर डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म और नेट क्रैकर इसोफेगस होता है। स्ट्रक्चरल डिजीज के अंदर पेप्टिक स्ट्रक्चर है, फॉरन बॉडी या मीडियास्टिनल मैस या कैंसर भी आ सकता होता है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन इंडिविजुअल डिजीज़ के लिए आपने करानी होती है। वो जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे वो आपको बताता रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल एकलेसिया कार्डिया के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है मैनोमेट्री होती है। गर्ड के अंदर 24 आवर pH मॉनिटरिंग और एंडोस्कोपी करा लेते हैं। कैंसर में भी आपने एंडोस्कोपी करानी होती है, स्ट्रक्चर को देखने के लिए भी एंडोस्कोपी करानी होती है। ओके, चेस्ट एक्सरे बिरियम्स वाले करा सकते होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है गर्ड। गर्ड के अंदर रिट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन होता है, हार्ट बर्न होता है, ये बैंडिंग से, स्ट्रेनिंग से और लाइंग डाउन से बढ़ जाता होता है, और वाटर ब्रैश स्लाइवेशन देखने को मिलती है। ओके, जैसे ही स्टोमक एसिड थ्रोट तक पहुंचता है तो वाटर ब्रैश स्लाइवेशन देखने को मिलती होती है। क्लियर, तो एक गर्ड का सिनेरियो आ जाएगा। अब गर्ड में अल्टरनेटिव डायग्नोसिस इफ द सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, तो अगर सिग्निफिकेंट वेट लॉस है तो ये आपने इसे फिजल कैंसर को रूल आउट करना होता है। कैसे रूल आउट करोगे, एंडोस्कोपी करा लोगे। ठीक हो गया, अब गर्ड के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है एंडोस्कोपी होती है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो 24 आवर pH मॉनिटरिंग होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा इंपीडेंस टेस्टिंग है, बेरियम इसोफेगोग्राम ये करा सकते होते हैं। एक बार रट्टा मार लेना, अगर गर्ड का पेशेंट है, इसकी जो एज है यंगर पॉपुलेशन है और उसका कोई वेट लॉस नहीं है, डिसफेजिया नहीं है, आयरन डिफिशियंसी नहीं है, वेट लॉस भी नहीं हुआ, कोई अलार्मिंग सिम्टम नहीं, एज भी कम है, तो आपने सीधा ही PPI दे देने हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन कब करानी होती है, अगर एज 50 साल से ऊपर है और आपको अलार्मिंग सिम्टम आपको देखने को मिलते होते हैं। अब गर्ड की क्या ट्रीटमेंट होती है, गर्ड के अंदर आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आपने सब चीज़ों को कम करना है, सिर्फ एक चीज़ को बढ़ाना होता है। वो क्या होता है, जो हेड एंड है बेड का जो लेवल होता है उसके आपने एलिवेट करना होता है। क्या चीज़ें कम करनी है, वेट को कम करना है, फैटी स्पाइसी एसिडिक फूड को अवॉइड करना होता है, अल्कोहल कॉफी को अवॉइड करना होता है, लेट नाइट मील को अवॉइड करना होता है, स्मोकिंग सेसेशन करनी होती है, वेट लिफ्टिंग को कम करना होता है, फ्रीक्वेंट फीड और स्मॉल वॉल्यूम लेना होता है। इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर एंटी एसिड ड्रग आ जाएगी, लाइक एंटी एसिड के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, PPI अदर ड्रग को चॉइस, लाइक ओमेप्राजोल, रैबिप्राजोल है। इसके अलावा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इस्तेमाल कर सकते होते हैं। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट कब करते होते हैं, जब बैरेट इसोफेगस हो जाता है। क्या करोगे आप, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या फोटोडायनामिक थेरेपी है। और जो मेन ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी पढ़ रहे हो तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट हर एक का आना चाहिए। जो मेन सर्जरी होती है वो लैप्रोस्कोपिक निसन फंडोप्लाइकेशन होती है, लेकिन जब लैप्रोस्कोपिक निसन फंडोप्लाइकेशन करते हैं 360 का, तो उसकी वजह से गैस ब्लॉट सिंड्रोम हो जाता है। डेट इज वाई आपने इसको फ्लोपी निसन फंडोप्लाइकेशन में कन्वर्ट देना होता है। ओके, तो जो एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी होती है लैप्रोस्कोपिक लेसन फंडोप्लाइकेशन है, जो कि 360 होती है, वाटसन वाली 90 की होती है, डोर वाली 180 पोस्टीरियर होती है, नहीं डोर वाली 180 इंटीरियर होती है, टॉपर्ट वाली 180 पोस्टीरियर होती है, बेल्सी मार्क 270 की होती है, और निसन वाली 360 फंडोप्लाइकेशन होती है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ गर्ड, गर्ड की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, इसोफेजाइटिस हो जाएगा, स्टोमक की इसोफेगस की अल्सरेशन हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसकी वजह से बैरेट इसोफेगस होगा। बैरेट इसोफेगस की वजह से लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में एडेनोकार्सिनोमा देखने को मिलेगा, और कैंसर की वजह से गैस्ट्रिक वाल्वस या डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बट आता है इसोफेजियल एंड द एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैनिफेस्टेशन ऑफ गार्ड है, तो जो इसोफेजियल मैनिफेस्टेशन होती है ट्राइड रट्टा मारना है, हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, डिसफेजिया होता है, डायनोफेजिया हो सकता है, हेमाटोमेसिस हो सकता है। एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या हो सकता है, लाइक जो एसिड होता है एयरवे को इरिटेट करेगा, ट्रैकिया को करेगा तो कफ होगा, लैरिंस को करेगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा। ओके, वीजिंग भी हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है फेरिंग्स की वजह से, डेंटल इरोजन हो सकती है, रिकरेंट नमोनिया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाती है। अब गर्ड वाले पेशेंट में सर्जरी कब करनी है, निसन फंडोप्लाइकेशन कब करनी होती है, जब सीवियर इसोफेजियल इंजरी है, फॉर एग्जांपल अल्सर स्ट्रक्चर या बैरेट इसोफेगस है। ओके, सीवियर इसोफेजियल इंजरी है, मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम है, ये जो सिम्टम होते हैं यंगर पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एकलेसिया कार्डिया, वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। ओके, एकलेसिया कार्डिया के आम जिंदगी में तो केसेस कम आते हैं, लेकिन UHS की दुनिया में केसेस बहुत आते हैं। एकलेसिया कार्डिया के अंदर आप एक बार रट्टा मार लेना, एकलेसिया कार्डिया में आपने क्या नोट करना होता है, इसमें प्रोग्रेसिव डिसफेजिया होता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए होता है, लेकिन लिक्विड्स के लिए ज्यादा देखने को मिलता है, वेट लॉस भी होता है, एज 50 साल से नीचे आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं एकलेसिया कार्डिया में क्या करा लोगे, एक्सरे चेस्ट डालोगे, इसमें वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम होता है और एब्सेंट
गैस्ट्रिक बबल होता है, एंडोस्कोपी करा लोगे टू रूल आउट सूडोएक्लेसिया, सूडोएक्लेसिया एडिनो कार्सिनोमा ऑफ कार्डियस से हो सकता है, ओट सेल कार्सिनोमा या स्मॉल सेल कार्सिनोमा या पेनक्रियाटिक कैंसर की वजह से हो सकता है। बेरियम स्वेलो करा लोगे रेड टेल अपेयरेंस या बर्ड बीक अपेयरेंस देखने को मिलता होता है, जो बर्ड बीक अपेयरेंस होता है सिकल वालुलस में भी देखने को मिलता होता है लेकिन वो बेरियम एनीमा होता है। मैनोमेट्रिक के अंदर क्या होगा, हाइपरटेंसिव एलियस होगा, 26 से ज्यादा का प्रेशर आपको देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट हमेशा पेलिएटिव होता है, ट्रीटमेंट को तीन में डिवाइड करना है, मेडिकल एंडोस्कोपिक और सर्जरी है। मेडिकल के अंदर नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एंडोस्कोपिक के अंदर न्यूमेटिक डायलेटेशन होती है, ओके बोटॉक्स इंजेक्शन होता है, ऊपर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी आ जाती है। इसके बाद सर्जरी के अंदर क्या होता है, लैप्रोस्कोपिक हेलस मायोटॉमी है, उसमें आपने पार्शियल फंड एप्लीकेशन में करनी होती है टू प्रिवेंट गर्ड है और इसोफेजेक्टिमी है। गर्ड के पेशेंट में, सॉरी गर्ड कहां से आ गया, इक्लेजिया के पेशेंट में इसोफेजेक्टिमी कब करते हैं, मेगा इसोफेगस होता है या मोर देन वन मायोटॉमी फील हो चुकी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर इसोफेजियल कैंसर और स्ट्रक्चर को आपने रखना होता है और दोनों के लिए अपर जीए एंडोस्कोपी करा लेते होते हैं। नेक्स्ट है इसोफेजियल परफोरेशन होती है, जो इसोफेगस की परफोरेशन होती है तीन कॉजेज की वजह से हो सकती है, पैथोलॉजिकल हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल की हो सकती है। इंस्ट्रूमेंटल मोस्ट कॉमन होती है, इंस्ट्रूमेंटल का क्या मतलब होता है, जब आप इसोफेगोस्कोपी करोगे किसी फॉरन बॉडी को या फूड बॉलर्स को निकालने के लिए, और अगर इंस्ट्रूमेंटल होती है तो पार्ट डैमेज होगा क्रिकोफेरेंजेस, और अगर स्पॉन्टेनियस होती है बोर हाफ सिंड्रोम की वजह से तो आपका कौन सा पार्ट डैमेज होगा, लोअर वन थर्ड इसोफेगस डैमेज हो जाएगा। क्लियर, सही हो गया। और इसमें क्या हॉलमार्क होता है, सर्जिकल एम्फिसीमा होता है, हिमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती होती है, हॉर्सनेस डिस्नी आपको देखने को मिलता होता है, और जो इसोफेगस का जो होता है ना लाइक फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से ट्रांसम्यूरल परफोरेशन होती है, इसको बोलते हैं बोर हाफ सिंड्रोम, और बोर हाफ सिंड्रोम में मैक्युलर स्ट्राइड होता है, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग और सबकुटेनियस एम्फिसीमा होता है। क्लियर, तो ऑलरेडी मैं इसकी टाइप्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्पॉन्टेनियस पैथोलॉजिकल और इंस्ट्रूमेंटल होती है। अब इसोफेजियल परफोरेशन में क्या सर्जरी करनी होती है, अगर 4 से लेकर 6 घंटों के अंदर रिकॉग्नाइज हो चुका है तो आपने डायरेक्ट प्राइमरी रिपेयर करना होता है, अगर 12 घंटों से ज्यादा का है तो आपने टी ट्यूब इंसर्ट करनी होती है, फीडिंग जिनोस्टोमी करनी होती है और डिलेड रिकॉन्स्ट्रक्शन आपने करनी होती है, वंस अगेन क्लोन या जुजिनम का फ्लैप आप इस्तेमाल करोगे रिपेयर करने के लिए। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, अगर सर्वाइकल इसोफेगस की परफोरेशन है तो उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, अगर एबडोमिनल इसोफेगस की परफोरेशन है, सेप्टिक क्लॉट ज्यादा है, मीडियास्टिनाइटिस है, बोर हाफ सिंड्रोम हो चुका है, सबकुटेनियस एम्फिसीमा आपको देखने को मिल रहा है, तो इस केस में आपने सर्जरी करनी होती है। तो सर्जरी की इंडिकेशन क्या है, सेप्टिक शॉक है, कंटैमिनेटेड मीडियास्टिनम है, प्लूरा ब्रीच हो चुका है, मीडियास्टिनाइटिस है, प्लूरा ब्रीच हो चुका है, इंट्रापेरिटोनियल एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल है, बोरहाफ सिंड्रोम है, बोरहाफ सिंड्रोम में मैक्युलर स्ट्राइड होता है, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग और सबकुटेनियस एम्फिसीमा, क्रैपिटस या हाइड्रोनिमोथोरेस आपको मिल रहा है। ओके, अगर इमरजेंसी में पेशेंट आया अनस्टेबल है तो आपने वाटर सोलबल कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल करना है, बेरियम इस्तेमाल नहीं करना, गैस्ट्रोग्राफिन इस्तेमाल करना है, अगर बेरियम इस्तेमाल करना है तो डायल्यूट बेरियम इस्तेमाल कर लोगे और ओरल कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन कर लोगे अगर पेशेंट स्टेबल है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, अगर 4 से लेकर 6 घंटों के अंदर आ गया तो डायरेक्ट प्राइमरी रिपेयर होता है, और अगर 12 घंटों से ज्यादा का हो गया तो टी ट्यूब को इंसर्ट करना होता है, टी ट्यूब एक और जगह पर भी आएगी लाइक सीबीडी के अंदर। ओके, फीडिंग जुजिनोस्टोमी और डिलेट रिकॉन्स्ट्रक्शन करनी होती है। इसके बाद क्रॉसिफ इंजरी है, क्रॉसिफ इंजरी में क्या होता है, क्रॉसिफ इंटेक हिस्ट्री होती है, एब्सोल्यूट डिस्फेजिया होता है। ओके, एब्सोल्यूट डिस्फेजिया का मतलब है सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए होता है। ओके, अब क्रॉसिफ इंजरी की वजह से बिनाइन इसोफेजियल स्ट्रक्चर देखने को मिलता होता है। वंस अगेन इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस एंडोस्कोपी, लेकिन ये सिंपल एंडोस्कोपी नहीं है, स्किल्ड अर्ली एंडोस्कोपी होता है। स्किल्ड अर्ली एंडोस्कोपी के अंदर डीप अल्सर मिलता है और ग्रेश ब्लैक स्कार आपको देखने को मिलता है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपने रिससिटेशन करनी होती है, अब पूरी एक्यूट एब्डोमेन के अंदर जो रिससिटेशन होती है इसका पैटर्न एक मरतबा रट्टा मार लो, हर सर्जरी में लिख के आ जाना। ओके, जब भी किसी को एक्यूट एब्डोमेन है वो क्या होता है, हॉस्पिटलाइज करना, रिससिटेट करना, ए बी सी डी ई को मेंटेन करना, आईवी लाइन लगाना, आईवी फ्लूइड्स देना, ओके कुछ ब्लड भेजना इन्वेस्टिगेशन के लिए, वाइटल्स को मेंटेन करना, एंटीबायोटिक एनर्जेसिक एंटीमैटिक दे देना, एनजी पास कर देना ताकि डीकंप्रेस कर सके, वाइटल्स को मॉनिटर करना, इनपुट आउटपुट चार्टिंग कर लेना। क्लियर, ये सारी आपने एक्यूट एब्डोमेन में लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी स्किल्ड एंडोस्कोपी में डीप अल्सर ग्रेज स्कार मिलता होता है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट के अंदर आईवी फ्लूइड दे दोगे, पीपीआई दे दोगे, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है, डायग्नोस्टिक भी और थेरापेटिक भी, एंडोस्कोपी होती है 12 से लेकर 24 घंटों के अंदर करते होते हैं। ओके, सही हो गया। अगर स्मॉल स्ट्रक्चर है तो एंडोस्कोपी से डायलेटेशन करते हैं, अगर लार्ज स्ट्रक्चर है तो आपने इसोफेजेक्टमी करना है, और वन सेकेंड अब इसोफेगस डैमेज हो गया, इसोफेगस को उड़ा दिया आपने, तो क्लोन नम का ग्राफ्ट इस्तेमाल करोगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस है। ओके, इसोफेगस के कैंसर में क्या होता है, 50 साल से ऊपर की हिस्ट्री होती है, वेट लॉस आपको देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, इनिशियली सॉलिड्स के लिए होता है, फिर वो लिक्विड्स के लिए भी ज्यादा देखने को मिलता है, और डायनोफेजिया होता है, वेट लॉस आपको देखने को मिलता होता है। इसके अलावा रिगर्जिटेशन वॉमिटिंग होता है, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलता है और हॉर्सनेस आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर इसोफेजेक्टमी, इसोफेजेक्टमी के बाद गर्ड देखने को मिलती है, मैंने कभी नहीं पढ़ा गर्ड वाला, ओके शायद मे भी पॉसिबल हो। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एडिनो कार्सिनोमा, इसोफेगस के दो कैंसर होते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा, जो एडिनो कार्सिनोमा होता है लोअर वन थर्ड में होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपको देखने को मिलता होता है मिडिल वन थर्ड के अंदर, जो एडिनो कार्सिनोमा होता है गर्ड की वजह से होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इक्लिजिया कार्डिया की वजह से देखने को मिलता होता है। अब जो कैंसर ऑफ इसोफेगस है इसके लिए डायग्नोसिस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है वो कौन सी होती है, अपर जी एंडोस्कोपी और बायोप्सी होती है, और स्टेजिंग के लिए क्या करते होते हैं, एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है,
एंडोरेक्टल नहीं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है। जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है इसोफेगस के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, ओरेक्टल कैंसर को स्टेज करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। इसके अलावा पैट स्कैन कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, मैनेजमेंट के अंदर सर्जिकल और नॉन सर्जिकल है। अगर कार्सिनोमा इन साइटू है तो एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन करनी होती है, और अगर लोकलाइज इसोफेजियल कैंसर है तो अपनी इसोफेजेक्टमी करनी होती है। अब इसोफेजेक्टमी 3 तरह की होती है, मैक्यून, आइवर लुइस और ओरिंगा ट्रांसहाइटल होता है। जो मैक्यून होता है उसको 3 फेज ऑपरेशन कहते हैं, आइवर लुइस को हम 2 फेज ऑपरेशन कहते हैं, और जो आपका ओरिंगा ट्रांसहाइटल होता है सबसे अच्छा ये होता है। इसके बाद अगर कैंसर कोई एडवांस या मेटास्टेटिक है तो आप इसमें सुटार्ट युग की स्टेंटिंग करनी होती है। एंडोस्कोपिक मेथड है लाइक लेजर थेरापी है, आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन या अल्कोहल इंजेक्शन है। इसके अलावा कीमो रेडियोथेरापी, ब्रेकी थेरापी आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस में। ओके, लाइक अगर किसी लाइक अगर पेशेंट के अंदर एंडोस्कोपी से डायग्नोस हो चुका है तो नेक्स्ट असेसमेंट में नेक्स्ट असेसमेंट डिपेंड करेगी पेशेंट फिट है या अनफिट है। अगर पेशेंट अनफिट है तो आपने पीलिएटिव थेरेपी करनी होती है, कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट सूटेबल है, फिट है, तो आपने क्या करना होता है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करना होता है। क्लियर, सही हो गया। और लैप्रोस्कोपी आपने करनी होती है। व्हाट इज द स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन, तो स्टेजिंग के लिए क्या करते होते हैं, वन सेकेंड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेट स्कैन और लैप्रोस्कोपी वगैरह करा लेते होते हैं। ओके, और जो प्रेफर्ड रूट ऑफ पेरी ऑपरेटिव न्यूट्रिशन है वो कौन सी दोगे, पीईजी ट्यूब के जरिए दोगे, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। मुझे लगता है ये तो सवाल वहीं से आ गया, ये तो हमारा S1 में भी सवाल आया हुआ था। ठीक है, जिसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, यहाँ पे विच यू नॉट ट्रॉसियस साइन लिखा हुआ है, वो तो स्टोमा के कैंसर में आपको देखने को मिलता होता है। हिस्ट्री में क्या 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 सवाल पूछ लोगे इसोफेगस के कैंसर में, लाइक आपने रीगर्जिटेशन, वॉमिटिंग, हॉर्सनेस, उडाइनोफेजिया, लिम्फेडिनोपैथी, डायफ्राम की पैरालिसिस है। अब यहाँ पे लिखा है कि T2N1M0 का क्या मतलब है, मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। TIS का मतलब है कार्सिनोमा इन साइटू, T1 का मतलब है सब म्यूकोसा के अंदर, T2 का मतलब है मस्कुलरिस प्रोप्रिया, T3 का मतलब है मस्कुलरिस प्रोप्रिया से बाहर चला गया, T4A का मतलब है एडजेसेंट स्ट्रक्चर लाइक प्लूरा पेरिकार्डियम डायफ्राम है, और T4B का मतलब होता है ट्रैकिया बोन अयोटा आ जाएगा। N1 का मतलब है 1 से लेकर 3 या 1 से लेकर 2 लिम्फ नोड है, N2 का मतलब 3 से लेकर 6 लिम्फ नोड है, N3 का मतलब 7 से ज़्यादा लिम्फ नोड है, M1 का मतलब मेटास्टेसिस है। तो T2N1 का क्या मतलब होगा, T2 का मतलब है मस्कुलरिस प्रोपिया, N1 का मतलब है 1 से लेकर 2 लिम्फ नोड है, M0 का मतलब है कोई मेटास्टेसिस नहीं है। और जो कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप होती है वो कौन सी होती है, एडिनो कार्सिनोमा लोअर 1/3 में, जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है मिडल 1/3 में देखने को मिलता होता है। इसके बाद चलते हैं ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर। इसमें हिस्ट्री क्या होती है, किसी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, इसके लिए वो एनसेड ले रहा है और उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज में क्या होगा, अपर जीआई ब्लीडिंग मिलेगी, अपर जीआई ब्लीड के अंदर हेमाटोमेसिस और मेलिना होता है। ओके, हेमाटोमेसिस और मलीना आपको देखने को मिलता होता है। इसके अलावा आपको हाइपोवोलेमिक शॉक के फीचर मिलेंगे, क्या होते हैं, पल्स ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ओलिगोयूरिया होता है, कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलती है। इस तरीके से आपने डायग्नोस करना होता है। वन सेकंड, मैनेजमेंट के अंदर आपने पेशेंट को रिससिटेट करना होता है, सारा का सारा कॉमन स्टेप्स है, ट्रैनएक्सैमिक एसिड आपने दे दिया, और इसमें जो एंडोस्कोपी करते हैं डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी होती है। डायग्नोस कर लोगे और थेरापेटिक के अंदर आप क्लिपिंग कॉटरी या एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन दे दोगे। इसके अलावा आप जो रिसेंट एडवांसमेंट है वो है ट्रांस कैथेटर एम्बोलाइजेशन होता है, एंजियोग्राफी विद ट्रांस कैथेटर एम्बोलाइजेशन होता है। इसके अलावा सर्जिकल थेरेपी कर सकते हैं, सर्जिकल थेरेपी कब करते होते हैं इसकी इंडिकेशन यहाँ पे लिखी है कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है डिस्पाइट द मेडिकल थेरेपी है, एंडोस्कोपी फेल हो चुकी है या एंडोस्कोपी अवेलेबल नहीं है, या विजिबल वेसल है अल्सर के बेस के ऊपर, या कोई स्पर्टिंग वेसल है, या कोई अल्सर है विद अ क्लॉट इन द बेस है, पेशेंट बूढ़ा पेशेंट है, 6 यूनिट से ज़्यादा ब्लड लग चुका होता है, या एंडोस्कोपी अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में सर्जरी करते होते हैं। क्लियर। सर्जरी के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन होता है, ट्रंकल विगोटमी कर दोगे प्लस पायलोरोप्लास्टी कर दोगे, या फिर आप पार्शल गैस्ट्रेक्टमी विद रो एक्स एंड वाई गैस्ट्रोजुजनोस्टोमी कर दोगे। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। अपर जीआई ब्लीड क्या होती है, कोई भी जीआई ब्लीडिंग जो कि लिगामेंट ऑफ ट्रीट से ऊपर होती है वो अपर जीआई ब्लीड होती है, जो से नीचे होती है वो लोअर जीआई ब्लीड होती है। अपर जीआई ब्लीड के जो डिफरेंशियल्स में आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज है, इसोफेजियल पैरेसिस है, इरोसिव गैस्ट्राइटिस, इरोसिव इसोफेजाइटिस है, इसोफेगस गैस्ट्रिक कैंसर है, मिलोरी वी सिंड्रोम आता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लीडिंग इन अपर जीआईटी। ओके, अपर जीआईटी में जो ब्लीडिंग होती है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज की वजह से होती है, लोअर जीआई ब्लीड में डायवर्टिकुलर डिजीज की वजह से आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। इसके बाद परफ्यूरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज है, इसमें पेशेंट को क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। ओके, और पेशेंट एनसेड यूज करोगा अपने जोड़ों के दर्द के लिए, और इसमें को क्या होगा, सडन सीवियर जनरलाइज एब्डोमिनल पेन होता है, और पेरोटिनाइटिस वाले फीचर देखने को मिलते हैं। वो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, एब्डोमन की मूवमेंट कम हो जाती है। पालपेशन के अंदर क्या होगा, टेंडनेस, रीबाउंड टेंडनेस, गार्डिक रिजिडिटी होता है। पालपेशन के बाद परकशन आता है, तो उसमें जो लीवर का जो डलनेस है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है ड्यू टू नीमोपेरिटोनियम है। और इसके बाद ऑस्कल्टेशन के अंदर क्या होता है, एब्डोमन की मूवमेंट्स कम हो जाती है। एक्सरे करा लोगे, एक्सरे चेस्ट इरेक्ट व्यू, तो इसमें नीमोपेरिटोनियम देखने को मिलता है, राइट हेमी डायफ्राम के अंदर हवा देखने को मिलेगी। ओके, तो एब्डोमिनल फाइंडिंग यहाँ पे क्या लिखी है, पीरियोडिक एपिगैस्ट्रिक पेन है, जो कि बैक की तरफ रेडिएट करा है, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। ओके, तो उस पर आंखें बंद करके उसको छोड़ देना। टेंडर एब्डोमन, गार्डिंग डीबाउंड टेंडरनेस, ये पॉइंट आपको पैंक्रियाटाइटिस में भी देखने को मिल सकता होता है।
अगर वो पेरिटोनाइटिस करवा देता होता, लेकिन यहाँ पे ना सिनेरियो के अंदर क्या हुआ हुआ है, मेडिकेशन की हिस्ट्री दी हुई है, तो यहाँ से तो आप चले जाओगे। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होगी, वंस अगेन चेस्ट एक्सरे इरेक्टिव में करा लोगे, न्यूमोपेरिटोनियम देखने को मिलेगा, सीटी स्कैन ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसके अलावा माइलेज के लेवल करा लोगे टू रूल आउट एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, रिससिटेट करोगे, आईवी फ्लूइड्स दोगे, इसके बाद लैप्रोटॉमी करोगे, लैप्रोटॉमी में क्या करोगे, नॉर्मल सलाइन से पेरिटोनियल कैविटी को वॉश करोगे, और अगर सिंपल परफोरेशन है ग्राम्स रिपेयर, अगर मैसिव परफोरेशन है तो रो एक्स एंड वाई गैस्ट्रोजेनोस्टोमी कर लोगे। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद वंस अगेन इरेक्ट एक्सरे करा लोगे, इसमें आपको न्यूमोपेरिटोनियम देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेन, ये कौन सा, मुझे लगा कि मैं S1 में आ गया। ओके, WHO स्टेप लेटर के मुताबिक, एनएलजीजे लेटर के मुताबिक PPI के साथ आपने क्या देने हैं, माइल्ड पेन है तो आपने पैरासिटामोल या COX-2 सेलेक्टिव एनसेड आपने देने हैं, लाइक सिलाकॉक्सिब है। मॉडरेट पेन में आपने कोडीन ट्रामाडोल आपने देना है, और अगर स्ट्रॉन्ग सीवियर पेन है तो आपने स्ट्रॉन्ग ओपियाड्स देनी होती है, लाइक मॉर्फिन है। ओके, तो पैरासिटामोल, कोडीन, ट्रामाडोल या मॉर्फिन आ जाती होती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलती होती है, ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ एनसेड टेक है, जो एनसेड होता है ना कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन है उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और परफोरेशन आपको देखने को मिलती है, डेट इज वाई आपने सिलोकॉक्सिब आपने इस्तेमाल करने होते हैं। ऑलमोस्ट ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज की तीन मोटी कॉम्प्लिकेशन रट्टा मार लेना, वो तीन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है, ब्लीडिंग, परफोरेशन और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक हो गया, ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन होती है ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती होती है, लेकिन जो ब्लीडिंग होती है ये करेक्टरिस्टिकली आपको कौन से अल्सर में देखने को मिलती है, ड्यूडिनल अल्सर में, और जो गैस्ट्रिक अल्सर होती है परफोरेट हो जाती होती है। क्लियर, सही हो गया, ओवरऑल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, इसके अलावा रिकरेंट अल्सरेशन मैलिग्नेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक अल्सर के केस में। नेक्स्ट चलते हैं लीवर कैसे क्यूज के अंदर, लीवर कैम है पहला मोइबिक लीवर एब्सेस है, स्विंगिंग पारिस से देखने को मिलता है, पेन, टेंडरनेस और डल परकशन आउट होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, और कफ और पेन होता है राइट शोल्डर के अंदर। इन शॉर्ट इसमें क्या होता है कि आपको पहले डिजेंट्री की हिस्ट्री मिलती होती है, ओके, आपको पेन आपको देखने को मिलता होता है, स्विंगिंग पारेक्सी आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया, तो ये आपका आ जाएगा। और अमोइबिक लीवर एब्सेस में यूजली कोई जॉन्डस आपको देखने को नहीं मिलता होता, एज कंपेयर टू पायोजेनिक लीवर एब्सेस जिसमें शार्कोट्राइड आ जाता है, फीवर, जॉन्डस, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है। तो अमोइबिक लीवर एब्सेस एंटोबायोस्टोलिटिका की वजह से होता है, पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, अमोइबिक सिस्ट को इंजेस्ट कर लिया तो जो ट्रोफोसाइट होते हैं, ट्रोफोजॉइट होते हैं, क्लोन के अंदर बनते हैं, बोवल वाल से होते हुए फ्लास्क शेप अल्सर बना देंगे, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर आ जाएंगे, राइट हिपैटिक लोब में चले जाएंगे और वहां पर अमोइबिक लीवर एब्सेस करा लेंगे। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस सीरोलॉजी करा लोगे, ट्रीटमेंट के अंदर मेट्रोनिडाजोल और डिलोक्सानाइड फ्यूरेट है। इसके बाद हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज होता है, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस भी होता है। अब इसका जो डेफिनेटिव होस्ट होता है ये S1 में सवाल आ चुका है, वो यानी S1 में ज़्यादातर क्वेश्चन ना S2 के पूछे हुए थे, तो कॉज इसका जो होता है ना वो डॉग होता है। ओके, क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होता है, माइनर ट्रॉमा के बाद आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में डिस्कम्फर्ट मैस आपको देखने को मिलता होता है, डल अपर क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है, ओके, अनीमिया, फटीग देखने को मिलती है और वेट लॉस आपको देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होगा, चेस्ट रेडियोग्राफ करा लोगे, मैंने इसका साइन देखने को मिलेगा, एक रिसेंट साइन देखने को मिलता है या वाटर लिली साइन देखने को मिलता है। कंट्रास्ट इनान सिटी स्कैन करा लोगे, डॉटर सिस्ट विद इन द लार्ज सिस्ट है, रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन होती है। ओके, एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वन सेकंड सीरोलॉजी या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या एलाइजा वगैरह करा लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, आपने सिस्ट की एक्सीजन करनी है आफ्टर स्टरलाइजेशन विद 0.5 सिल्वर नाइट्रेट या 2.7% सोडियम क्लोराइड है। ठीक हो गया, और इसके अलावा मेडिकल के अंदर एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, प्रेजिकुंटेल आ जाता है और अपने पीआर थेरेपी करनी होती है, पंक्चर, एस्पिरेशन, इंजेक्शन और स्कोलीसाइडल एजेंट है जो कि 20% हाइपरटॉनिक स्लाइन होता है और अल्कोहल होता है, आपने री एस्पिरेशन करनी होती है। ओके, सही हो गया, ये पीआर थेरेपी आ जाएगा। इसके बाद वेरिसियल ब्लीडिंग होती है, तो जो आपका इस अगर किसी पेशेंट को जिसको अल्कोहलिक लीवर डिजीज है और अपर जीआई ब्लीड है तो मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकता है, इसोफेजियल वायरसेस है। इसके अलावा आपने ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर को एनसेट इंड्यूस इरोसिव गैस्ट्राइटिस या इसोफेजाइटिस को भी डिफरेंशियल में रखना होता है। ब्लड टेस्ट कौन कौन से कराएंगे, CBC, ESR, CRP, LFT करा लोगे, सीरम एल्ब्यूमिन करा लोगे, वायरल मार्कर करा लोगे और क्लॉटिंग प्रोफाइल करा लोगे, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम आ जाता है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर आपने आईवी फ्लूइड्स देने हैं ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को रिप्लेस कर जा सके। वंस अगेन फार्माकोलॉजी के अंदर टर्लीप्रेसेंट देते थे होते हैं, क्लियर, और एंडोस्कोपी पास करोगे, एंडोस्कोपी से एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन कर दोगे। इसके अलावा इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी दे सकते होते हैं और टिप्स कर सकते हैं, बैलून टेम्पोनाड वगैरह कर सकते होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, अगर रीब्लीडिंग है इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, बेस्ट जो ड्रग और चॉइस होती है वो बीटा ब्लॉकर होती है, प्रोपानोलोल। इसके अलावा एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन कर सकते हैं और टिप्स वगैरह कर सकते होते हैं। ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग है। इसके बाद स्प्लीन वाला टॉपिक है, स्प्लीन वाले टॉपिक में व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी, तो जो स्प्लीनेक्टोमी ट्रॉमा वाले केस में करते होते हैं, एक्सीडेंटल या ऑपरेटिव है, ऑन्कोलॉजी के अंदर, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक के अंदर, हेमाटोलॉजी के अंदर, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है, ITP है, हाइपरस्प्लीनिज्म है या पोर्टल हाइपरटेंशन में करते होते हैं। ओवरऑल दो इंडिकेशन रट्टा मारनी है, ट्रॉमा और ITP है।
और आपने स्प्लीनेक्टमी कर लिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? मोस्ट कॉमन इज लेफ्ट लोअर लोब एटीलेक्टेसिस। इसके अलावा प्लूरल इफियन और निमोनिया भी आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। हैमरेज के अंदर क्या हो सकती है? सबफ्रेनिक हिमाटोमा आपको देखने को मिल सकता होता है। पेनक्रियाटाइटिस, सूडोसिस, पेनक्रियाटिक फिस्टुला हो सकता है। पेनक्रियास को आपने डैमेज कर दिया तो उसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस हो जाता होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होती है वो ओप्सी आपको देखने को मिलती होती है। अब ओप्सी कब होती है? अगर आपने हिमाटोलॉजिकल कंडीशन फॉर एग्जाम्पल आईटीपी, हाइड्रेटेड सेफिरोसाइटोसिस और हाइपरसेप्लीनिज्म, इसके लिए स्प्लीनेक्टमी कर दी तो स्प्लीनेक्टमी की वजह से क्या होगा? आपको तीन इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, मेनिंजोकोकस, निमोकोकस और इसके अलावा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? सर्जरी से 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्तों के बाद आप क्या करते हैं? वैक्सीनेशन दे देते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद हेपेटोबिलरी सिस्टम है, कोलीलिथियासिस वाले का स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बिलरी कॉलिक या कोलीलिथियासिस में देखने को मिलता है। बिलरी कॉलिक में आपको इंटरमिटेंट कॉलिक की पेन होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है, टिप ऑफ शोल्डर में रेडिएट कर जाता होता है। इसके अलावा कुछ एटिपिकल सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं, लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन, ब्लॉटिंग आपको देखने को मिलता है। उसका जो फेमस निमोनिक होता है, फैट 40 फर्टाइल फीमेल। सही हो गया। तो ये कोलीलिथियासिस या गॉल स्टोन में देखने को मिलता है। अब यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द गॉल स्टोन, तो जो अल्ट्रासाउंड होता है क्या क्या डिटेक्ट करता होता है? नंबर 1, बिलरी कैल्कुलाई को देखता होता है। नंबर 2, गॉल ब्लैडर और सीबीडी के साइज को देखता होता है। नंबर 3, थिकनेस ऑफ गॉल ब्लैडर को देखता है। अगर 4 मिलीमीटर से ज्यादा की है, पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड है, तो उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन है। या बिलरी ट्री में कोई स्टोन तो नहीं है, उसको देखने के लिए काम आता होता है। अगर किसी पेशेंट को कोलीलिथियासिस है तो आपने क्या करनी होती है? इनिशियली रिससिटेट करना होता है, मेडिकल थेरेपी दे देती है। मेडिकल थेरेपी में कीनो डिऑक्सीकोलेट आ जाएगा और उर्सो डिऑक्सीकोलेट आ जाएगा। कब देती है मेडिकल थेरेपी? कीनो डिऑक्सीकोलेट और उर्सो डिऑक्सीकोलेट। अगर कोलेस्ट्रॉल के स्टोन है 1 सेंटीमीटर से कम किया, गॉल ब्लैडर फंक्शनल और नॉन एक्यूट सिम्टम होते हैं। क्लियर। और इसमें सर्जरी क्या होती है? रिससिटेट आपने करना होता है। सारा का सारा रिससिटेशन सेम है जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और आपने क्या करनी है? कोलेसिस्टेक्टमी आपने करनी नहीं होती है। और गॉल ब्लैडर के डिजीज़ के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है चॉइस होती है अल्ट्रासाउंड होती है। फॉर एग्जांपल कोलीलिथियासिस और कोलीसिस्टाइटिस के लिए अल्ट्रासाउंड होती है, जबकि सीबीडी के डिजीज़ के लिए लाइक कोलेंजाइटिस और कोलिडोकोलीथियासिस के लिए होते हैं ईआरसीपी, वो डायग्नोस्टिक भी होता है, थेरापेटिक भी होता है। तो इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होता है अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड पर मर्फी साइन भी करा सकते होते हैं। और जो हिडा स्कैन होता है ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर आ जाता होता है। क्लियर। हिडा स्कैन मेनली एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस के लिए होता है। इसके अलावा एमआरसीपी, सीटी स्कैन करा लोगे। नेक्स्ट आप बताता कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल स्टोन, तो गॉल स्टोन की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? गॉल ब्लैडर में क्या होगी? सीबीडी के अंदर क्या होगी? और इंटेस्टाइन में क्या होगी? इंटेस्टाइन में तो एक ही होती है, वह है गॉलस्टोन आइलियस, जिसमें रेगुलर स्ट्रायड होता है, निमोबिलिया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है। और गैस होती है बिलियरी सिस्टम के अंदर, जिसको निमोबिलिया वगैरह कहते होते हैं। और लाइक गॉल ब्लैडर के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? बिलियरी कॉलिक होगा, एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलीसिस्टाइटिस है, म्यूकोसीला, एम्पाइमा है। ये आपको देखने को मिलता होता है। इसके अलावा परफोरेशन है, गैंग्रीन है, कार्सिनोमा आ जाता है। बाइल डक्ट के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? बाइल डक्ट के अंदर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एक्यूट कोलेंजाइटिस हो जाएगा, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है और कोलेंजियोकार्सिनोमा हो सकता है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? गॉलस्टोन आइलियस आपको देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट है कोलीसिस्टाइटिस। कोलीसिस्टाइटिस में जो ट्राइड होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगा, फीवर होगा और ल्यूकोसाइटोसिस आपको देखने को मिलेगा। और इसमें मर्फी साइन भी पॉजिटिव होता है। क्लियर। और एम्फिसीमेटस कोलीसिस्टाइटिस का मतलब है एयर इन द गॉल ब्लैडर है। क्लियर। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन होती है या मैनेजमेंट होती है, पहले तो आप रिससिटेशन कर लोगे और जो मेन मैनेजमेंट होता है वो कोलीसिस्टेक्टमी आपने करनी होती है। क्लियर, सही हो गया। और स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया? जो इस पेशेंट में हो सकती होती है कि गॉल ब्लैडर परफेट तो नहीं हो सकता, गॉल ब्लैडर परफेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम आगे चलते होते हैं। लास्ट नेक्स्ट है एम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर, तो उसमें बिलियरी कॉलिक पेन होता है और 4 टी देखने को मिलते हैं, टैकीकार्डिया, टेम्परेचर, टॉक्सिसिटी और टेंडरनेस होती है। क्लियर। और गॉल ब्लैडर पस वगैरह से भरा हुआ होता है। अब इसकी जो इनिशियल मैनेजमेंट होती है सेम रिससिटेशन है, और इसमें अगर पस को ड्रेन करना है तो कोलीसिस्टोस्टोमी करते हैं। और मेन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? कोलीसिस्टेक्टमी होता है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट की कोलीसिस्टेक्टमी होना है तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होती है? पहले सीबीसी करा लोगे, बायोकेमिकल टेस्ट लाइक एलएफटी, आरएफटी करा लोगे, कोआगुलेशन प्रोफाइल करा लोगे, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोमिन टाइम आ जाएगा, INR आ जाएगा, चेस्ट एक्सरे, ECG करा लोगे। ये तो आप सारी लैप्रोस्कोपी सर्जरी में करते हैं। एंटीबायोटिक की प्रोफाइलेक्सिस दे दोगे, सेकंड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन की, सिफोक्सिटीन होती है, DVT की प्रोफाइलेक्सिस दे दोगे और इन्फॉर्म कंसेंट दे दोगे। इसके बाद ओपन कोलीसिस्टेक्टमी और लैप्रोस्कोपिक कोलीसिस्टेक्टमी, इसके क्या स्टेप्स होते हैं? जो ओपन कोलीसिस्टेक्टमी होता है इसके क्या स्टेप्स होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने GA दे दिया। नंबर 2, आपने कोचर इंसियन देना होता है। कोचर इंसियन राइट कोस्टल मार्जिन के अंदर देते होते हैं। फिर आपने इसको मिड लाइन से एक्सटेंड करते हुए 9th कोस्टल कार्टिलेज तक आपने लेकर जाना होता है। फिर इसके बाद लेयर्स को आपने रट्टा मारना है, स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू और एंटीरियर रेक्टस शीथ, आपने इसको इनसाइज कर लिया। रेक्टस शीथ के नीचे आता है रेक्टस अबडोमिनस मसल, उसको आपने डिवाइड करना है ट्रांसवर्सली, कट नहीं करना, डिवाइड करना है ट्रांसवर्सली। फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है? आपने जो पैक्स होते हैं 3 जगह पर रखने होते हैं। ठीक हो गया। 3 जगह कौन कौन सी होती है? लाइक हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन है, डोडिनम है, लेजर मेंटम है। इन पर आपने पैक्स लगाने होते हैं। फिर गॉल ब्लैडर को आपने एक्सपोज कर लिया।
ओके ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने गॉल ब्लैडर की डाइसेक्शन करनी होती है। डाइसेक्शन करने के लिए क्या होगा, गॉल ब्लैडर का जो इन्फेंटिबुलम होगा उसके ऊपर आपने एक आर्टरी या ट्यूबल फोर्सेप आपने अप्लाई करना होता है। फिर आपने पेरिटोनियम को डिवाइड कर देना है ओके, तो आपको क्या मिलेगा, कैलो ट्राइंगल मिलेगा। फिर कैलो ट्राइंगल में जो फाइब्रोफैटी टिश्यू है उसको क्लियर कर देना ताकि सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट क्या हो जाए आपको नजर आना शुरू हो जाए। फिर आपने क्या करना है, सिस्टिक डक्ट को लाइगेट डिवाइड करना है, सिस्टिक आर्टरी को भी लाइगेट करना, और गॉल ब्लैडर को आपने निकाल देना है गॉल ब्लैडर के बेड से। फिर हीमोस्टेसिस को मेंटेन करना होता है, ड्रेन लगा देनी है, पेरिटोनियम और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को क्लोजली आपने बंद कर देना है ओके, सारा सेम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी के अंदर ये होता है कि पहले जीए दिया, सुपाइन पोजीशन होती है, फिर आपने क्या करना होता है, नीमो पेरिटोनियम क्रिएट करना होता है, वेरी लिटिल से क्रिएट करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज टेक्निक है। तो इसमें जो 10 मिलीमीटर का पोर्ट होता है एम्ब्लाइकस में इंसर्ट करते हैं लैप्रोस्कोपिक कैमरा के लिए, 10 मिलीमीटर का पोर्ट एपिगेस्ट्रियम में इंसर्ट करते होते हैं, और इसी पोर्ट के जरिए हम गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल देते हैं। फिर दो छोटे छोटे 5 मिलीमीटर के पोर्ट होते हैं राइट सबकोस्टल बॉटम में रख देते होते हैं फॉर सर्जन लेफ्ट हैंड, और ग्रास फोर्सेप्स के लिए रख देते होते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को राइट ट्रायंगुलर पोजीशन में लिटा देना होता है, लेफ्ट साइड में रोटेट करना होता है, फिर गॉल ब्लैडर को आपने एक्सपोज करना होता है ओके, फंडस को एक्सपोज किया, लीवर को सेपरेट किया, वंस अगेन आपने कैलो ट्रायंगल को आइडेंटिफाई किया, फाइब्रोफैटी टिश्यू को रिमूव कर दिया, सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट डिवाइड कर दिया, गॉल ब्लैडर को आपने रिमूव किया बाय शार्प कोटरी डाइसेक्शन है। और यहाँ पे लिखा है कि गॉल ब्लैडर को निकालते हैं, गॉल ब्लैडर का जो असल में निकालते हैं वो एपिगैस्ट्रिक बॉड से निकालते होते हैं। इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को इरिगेट करना होता है ताकि CO2 निकल जाए, जिससे आपने नीमो पेरिटोनियम क्रिएट किए थे। फिर आपने क्या करना होता है, अम्ब्लाइकल फेशियो को क्लोज करना होता है विद अ स्टे सूचर, और फिर आपने स्किन को क्लोज कर देना है विद अ सब क्यूटिकल एब्जॉर्बेबल सूचर है। नेक्स्ट है सीबीटी के स्टोन में। सीबीटी के स्टोन में क्या होता है, पेन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में, जॉन्डस आपको देखने को मिलता है, उसमें जो गॉल ब्लैडर होता है इम्पाल्पेबल होता है, यानी किसी भी पेशेंट को जिसको जॉन्डस है और गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है तो वो सिस्ट तो स्टोन्स की वजह से नहीं हो सकता, बल्कि वो किस वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है, वो हो सकता है स्टोन्स की वजह से कभी भी नहीं होता, बल्कि ये कैंसर ऑफ हेडोपैनक्रियाज की वजह से होता है। अल्ट्रासाउंड करा लोगे तो डायलेटेड सीबीटी मिलेगा और कॉस्टिक शैडो ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन देखने को मिलते होते हैं। तो एक वजीर आगे कहते हैं कि किसी पेशेंट को पेनलेस ओके ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है और गॉल ब्लैडर का साइज बड़ा हुआ है तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से हो सकता है, लाइक कैंसर ऑफ हेडोपैनक्रियाज की वजह से हो सकता है, वो गॉल स्टोन की वजह से देखने को नहीं मिल सकता होता। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कोलिटिकल इथियासिस में सीबीसी करा लोगे, इसमें आपको ल्यूकोसाइटोसिस आपको देखने को मिलेगा क्लियर, और अल्ट्रासाउंड करा लोगे, अल्ट्रासाउंड में आपको डायलेटेड सीबीटी देखने को मिलता है और कॉस्टिक शैडो देखने को मिलते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन के। सीबीटी डायलेटेड होगा, कॉस्टिक शैडो हो गए गॉल ब्लैडर के स्टोन के। ईआरसीपी डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी होती है, एमआरसीपी करा लोगे क्लियर। अब इसकी जो मैनेजमेंट होती है, इनिशियली आपने रिससिटेट करना होता है पेशेंट को, फिर आपने क्या करना है, ईआरसीपी करनी है, ईआरसीपी से पैपिलोटमी करनी है, फिर आपने स्विंग थोरैक्टोमी करनी होती है, और स्टोन की आपने एक्सट्रैक्शन आपने करनी होती है क्लियर। इसके अलावा पीटीसी कर सकते हैं, कोलिडोकोस्कोपी कर सकते हैं, कोलिडोकॉटमी कर सकते हैं, और टी ट्यूब इंसर्ट कर सकते होते हैं क्लियर, सही हो गया। इसके बाद यहाँ कि जो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम होता है 7 से लेकर 10 पोस्ट ऑपरेटिव डे पे करते होते हैं, 7 से 10 पोस्ट ऑपरेटिव डे पे करते होते हैं, और आपने टी ट्यूब को निकाल देना अगर कोलेंजियोग्राम नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको कोई रेजिडुअल स्टोन मिल गया है तो आपने टी ट्यूब को रखना होता है 2 हफ्ते तक, ताकि बल्कि 4 से लेकर 6 हफ्ते तक रखते होते हैं टी ट्यूब को, ताकि ट्रैक मेच्योर हो जाए और मजीद सर्जरी करना आसान हो जाए। इसके बाद एक्यूट कोलेंजाइटिस होता है, एक्यूट कोलेंजाइटिस में शार्कोट ट्राइड होता है, फीवर जॉइंटेड साइड टाइप कॉन्ट्रे में पेन है, और अगर मैं दो चीज़ें ऐड कर दूँ, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और आपका कन्फ्यूजन आ जाएगा, तो ये रिनोल्ड पेंटार्ड बन जाता होता है। अल्ट्रासाउंड में वंस अगेन सीबीडी डायलेटेड होगा, कॉस्टिक शैडो मिलेगा गॉल ब्लैडर के स्टोन का, और वन सेकंड इन्वेस्टिगेशन और चॉइस किया, ओके ईआरसीपी होगी, ट्रीटमेंट में आपने पैपिलोटमी स्फिंक्टरोटमी, और आपने क्या करना होता है स्टोन की एक्सट्रैक्शन करना, इसके अलावा पीटीसी कर सकते हो, कोलिडोकॉटमी कर सकते होते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियास की डिसऑर्डर, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में क्या फीचर होते हैं, सीवियर एक्यूट सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करता होता है, और ये रिलीव हो जाएगा बाय सिटिंग फॉरवर्ड, और एग्रेवेट हो जाएगा बाय द बेंडिंग फॉरवर्ड, ठीक हो गया, एग्रेवेट हो जाएगा बाय लाइंग डाउन। इसके अलावा माइलेज और लाइपेज के लेवल ज्यादा होगा, और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है कॉन्ट्रास्ट इनान सिटी स्कैन होता है, और इसमें आपको गोली लिथियासिस या एक्यूट बिलियरी पेनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री देखने को मिलती है, गॉल स्टोन की हिस्ट्री देखने को मिलती है। अब जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, पेनक्रियाटिक सोडोसिस्ट और पेनक्रियाटिक कैंसर, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस कॉन्ट्रास्ट इनान सिटी स्कैन होता है, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के लिए एमआरसीपी होता है, और गोल्ड स्टैंडर्ड में आपका ईआरसीपी आ जाता होता है क्लियर। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में जो इंटीरियर फीडिंग को आपने प्रमोट करना होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को शॉक या सीवियर पेनक्रियाटाइटिस है तब आपने टीपीएन को प्रेफर करना होता है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है एक्यूट फेस में, सबसे पहले आपने पेशेंट को रेसिसिटेट करना होता है, आईवी फ्लूइड्स देनी है, रिंगल इलेक्ट्रोलाइट्स और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी होती है, सारा सेम है ओके। इसके अलावा जो स्पेसिफिक अंतर बता दूं कि आपने एंटीबायोटिक देनी होती है अगर कोलनजाइटिस सस्पेक्टेड है, कभी भी प्रोफिलैक्टिकली कभी भी नहीं देनी, सीटी स्कैन कर लोगे ऑर्गन फेलियर है, ईआरसीपी करा लोगे विद इन द 72 आवर्स टू रूल आउट, या उसके लिए गॉल स्टोन पेनक्रियाटाइटिस के लिए सपोर्टिव थेरेपी दे दोगे फॉर ऑर्गन फ्लियोर। क्या सपोर्टिव थेरेपी होती है, आइनोट्रॉप्स होती है, वेंटिलेटरी सपोर्ट होती है, और हीमोफिल्ट्रेशन होती है, और आपने एनजी फीडिंग करनी होती है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट क्या होती है, पेनक्रियाटिक नेक्रोसेक्टमी, जो नेक्रोसिस वाले पार्ट उसको काट दोगे, डीप ब्रेडमेंट कर दोगे नेक्रोटिक पेनक्रियास की, और मजीद डीप ब्रेडमेंट के लिए क्लोज कंटिन्यूस ड्रेन लगा दोगे ओके, क्लोज कंटिन्यूस ड्रेन है या क्लोयर कर दोगे और री लैप्रोटमी कर दोगे। इसके अलावा लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी फॉर एक्यूट बिलियरी पेनक्रियाटाइटिस होता है,
ओके, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का जो मोस्ट कॉमन काज होता है अडल्ट में होता है गॉलस्टोन, और बच्चों में ट्रॉमा की वजह से होता है। क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस का मोस्ट कॉमन काज अल्कोहल की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। अब जो ब्लड एग्जामिनेशन होता है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में, वो क्या क्या होती है, लाइक एंजाइम्स करा लोगे, एमाइलेज और लाइपेज के लेवल करा लोगे। एमाइलेज के लेवल क्या होता है 24 आवर्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, लाइपेज के लेवल 72 to 96 आवर्स में देखने को मिलता है, 3 से लेकर 4 दिन में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा CBC, ग्लूकोज लेवल, LFTs करा लोगे। एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट एंड सीटी स्कैन होता है। इसके अलावा MRCP, ERCP करा सकते हैं, MRI, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा सकते हैं, जितना मर्जी करा लो आप, और पेंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट करा सकते होते हैं। ओके, अब इसके बाद ये है कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की सिवियरिटी को देखने के लिए रैनसन स्कोर होता है। रैनसन स्कोर में कब सीवियर कहेंगे, जब 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। ओके, ठीक हो गया। लाइक अब इसके कुछ पैरामीटर्स आप देख लोगे, लाइक कुछ पैरामीटर्स होते हैं ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन है, और कुछ 48 आवर्स में आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, कौन से पैरामीटर्स आपको ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन देखने को मिलते हैं, लाइक इसका निमोनिक होता है लीगल, एल से लीकोसाइटोसिस है, लाइक कितने से ऊपर होना चाहिए, 16,000 से ऊपर का होना चाहिए। ई से एंजाइम होता है जो कि EST होता है, 250 से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद जी से क्या होगा, ग्लूकोज जो कि 200 से ऊपर का होगा। ए से एज है 55 साल से ऊपर की, और एल से LDH जो कि 350 से ज़्यादा का होता है विद इन द 48 आवर्स है। 48 आवर्स में आपने क्या कराना होता है, निमोनिक है बैश, बी से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ओके एक और बी से होता है बेस डेफिसिट होता है। इसके अलावा और क्या होगा, इसे आरटीएल ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ऐसे सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड है, और सीरम कैल्शियम लेवल आ जाता है, और ऐसे आपको हिमाटोक्रेट 10% तक डिक्रीज हो जाता है। और इसकी जो वैल्यू सल्टा मारनी है 2, 4, 5, 6, 8 है। 2 से क्या होता है, लाइक सीरम कैल्शियम 2 मिलीमोल से कम हो जाएगा। इसके बाद जो बेस डेफिसिट है वो 4 मिलीमोल का होता है। जो 5 वाली वैल्यू होती है वो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन की होती है, 5 मिलीग्राम से ज़्यादा का है। ओके, फिर 6 वाली होती है वो कौन सी होती है, फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन होती है। दो और ओके, जो 8 वाली होती है 8 किलो पास्कल वाली, वो मैंने कहा सी होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वाली होती है। और जो हेमाटोक्रेट होता है ओके वो 10% से कम हो जाता होता है। इसके बाद मॉडिफाइड ग्लासगो स्कोर है, इसमें भी 3 या 3 से ज़्यादा पैरामीटर चाहिए होते हैं। पैरामीटर्स कौन से है, एज सेम वो था, WBC काउंट्स उसमें भी था, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी था, लेकिन रट्टा मार लेना सीरम एल्ब्यूमिन इसमें नहीं आ जाता है। ओके, इसके अलावा अपैची स्कोर होते हैं, CRP होते हैं, वो आप देख लेना। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में जो काज ऑफ डेथ होती है वो क्यों किस वजह से होती है, लाइक मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की वजह से जो अर्ली होती है, जबकि आफ्टर 2 वीक्स सेप्सिस की वजह से डेथ देखने को मिलती होती है। व्हाट आर द लोकल कॉम्प्लिकेशन, लोकल कॉम्प्लिकेशन और सिस्टेमिक होती है। लोकल आपको फर्स्ट वीक में देखने को मिलती है, क्या हो सकेगी, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होगी तो पानी जमा हो जाएगा, और उसकी वजह से स्टीराल पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा, फिर वो इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेनक्रियाटिक एब्सेस आपको देखने को मिलेगी। ओके, पहले पानी जमा हुआ, फिर नेक्रोसिस हुई, फिर एब्सेस होगी, फिर सूडोसिस्ट हो जाएगा। क्लियर, प्लूरल फ्यून आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सप्लेनिक आर्टरी का सूडो एनुरिज्म है, और सप्लेनिक वेन का थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है। अलावा पेनक्रियाटिक और क्यूटेनियस फिस्टुला आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन, तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर डिजीज है, कोलनजाइटिस और कोलेसिस्टाइटिस आपने रट्टा मारना होता है। इसके अलावा साइंस ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग, तो जब भी रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग होती है 3 तरह के साइंस होते हैं, ग्रेट टर्नर, क्यूलिन और फॉक्स साइन होता है। ग्रेट टर्नर साइन में क्या होता है, फ्लैंक की इकाइमोसिस होती है, क्यूलिन साइन में क्या होता है, पैरी एम्प्लाइकल इकाइमोसिस होता है, और फॉक्स साइन क्या होता है, इंक्वाइनल इकाइमोसिस आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट है। ओके, तो जो पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट होता है स्मूथ नॉन मोबाइल मैस होता है एपिगैस्ट्री में आफ्टर द अटैक ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ठीक हो गया, एक्यूट के बाद या क्रॉनिक के बाद, यूजुअली क्रॉनिक के बाद देखने को मिलती है। सॉफ्ट नॉन मोबाइल मैस होगा एपिगैस्ट्री में, पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, अर्ली सेटाइटी होती है, वेट लॉस हो जाएगा ड्यू टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा अगर CVD को कंप्रेस कर देती होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वंस अगेन कॉन्ट्रास्ट एंड सीटी स्कैन है। इसके अलावा आपने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करना होता है, उससे आप सिस्ट की एस्पायरेशन करोगे, उसमें आप CA कार्सिनोबियोनिक एंटीजन है, CA19 है, माइलेज के लेवल और साइटोलॉजी करा लोगे, क्योंकि कुछ फाइंडिंग ना ट्यूमर जैसी लगती होती है, मेलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा MRCP, ERCP कर सकते हैं, और FNAC वगैरह कर सकते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। अगर आपको इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है, ओके, अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो आपने सूडोसिस्ट को एस्पायर करना होता है, ड्रेन नहीं करना। ओके, क्यों, ताकि ना हम ना कल्चर सेंसिटिविटी कर सके और एंटीबायोटिक दे सके। लेकिन अगर इन्फेक्शन मौजूद है और कंटेंट पस को रिजेंबल कर रही है तो आपने एक्सटर्नल ड्रेनेज करनी होती है। कैसे कर सकते हैं, सर्जिकल से या परकुटेनियस से। तो अगर 5 सेंटीमीटर से कम का है, ओके, साइज, और 6 हफ्तों से कम का है, तो आप खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है, 6 हफ्ते से ज़्यादा का है, तो आपने इंटरनल ड्रेनेज करनी होती है। परकुटेनियस कर सकते हैं, एंडोस्कोपी से कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। ओके, परकुटेनियस क्या होती है, गैस्ट्रोस्टोमी है, ओके, ट्रांस गैस्ट्रिक सिस्ट गैस्ट्रोस्टोमी है, और एंडोस्कोपी में क्या होता है, एंडोस्कोपी में सिस्टो गैस्ट्रोस्टोमी या सिस्टो जुजनोस्टोमी है, और सर्जरी के अंदर रो एक्स एंड वाई सिस्टो जुजनोस्टोमी, रट्टा मार लेना। इसके बाद पेनक्रियाटिक कैंसर है, पेनक्रियाटिक कैंसर में आपको क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस आपको देखने को मिलता होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस में क्या होता है, डार्क यूरिन पेल स्टूल देखने को मिलता है, स्टिटोरी आपको देखने को मिलता है, गॉलब्लैडर का साइज पाल्पेबल होता है अकॉर्डिंग टू कुर्वजियाला। ओके, ठीक हो गया।
और कैशिक्सिक वेट लॉस आपको देखने को मिलता होता है। व्हाट इज़ अ प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर? तो पेनक्रियाटिक कैंसर में जब प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होती है वो कौन सी होती है? लाइक आपने क्या क्या करना होता है, आईवी फ्लूड्स आपने देने होते हैं ताकि रीनल परफ्यूजन को मेंटेन कर सके, वाइटामिन के इंजेक्शन आपने देने होते हैं। वाइटामिन के इंजेक्शन क्यों? क्योंकि फैट सेलेबल वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देंगे कोलेंजाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। प्री ऑपरेटिव बिलरुबिन ड्रेनेज करेगी अगर बिलरुबिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, और कोआगुलेशन की स्क्रीनिंग कर लोगे और इन्फॉर्म कंसेंट वगैरह ले लोगे। ओके, अगर किसी को पीलिएटिव ट्रीटमेंट देना जॉन्टस का तो कैसे दे सकते हैं? सर्जिकल बिलियरी बाईपास करेंगे और स्टंट डालेंगे ईआरसीपी से या पीटीसी से। ओके, सर्जिकल बिलियरी बाईपास पीटीसी से या ईआरसीपी से कर सकते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। मेन जो पीलिएटिव ट्रीटमेंट होता है वो ईआरसीपी होता है। अब जो होता है ना पेनक्रिया हेड ऑफ पेनक्रियास का जो कैंसर होता है, ओके, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है लाइक एलएफटी करा लोगे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा, ईएलपी जीजीटी का लेवल ज्यादा होगा। इमेजिंग के अंदर क्या होता है? अल्ट्रासाउंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चॉइस है। जो मेन इन्वेस्टिगेशन चॉइस कॉन्ट्रास्ट इनान सिटी स्कैन होता है। ट्यूमर मार्कर में सीए 99 और कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है। बायोप्सी ले सकते हैं ट्रांसडुडिनल या ट्रांसगैस्ट्रिक या ट्रोकट बायोप्सी या प्री ऑप प्रिपरेशन कैसे करते होते हैं? लाइक आपने आईवी फ्लूड्स देना होता है, क्लियर, वाइटामिन के इंजेक्शन देने होते हैं, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक देनी होती है, प्री ऑपरेटिव बिलरी ड्रेनेज करनी होती है, कोआगुलेशन स्क्रीनिंग और इन्फॉर्म कंसेंट देनी होती है। सर्जरी के अंदर क्या होता है? पेनक्रियाटिक रूटीन एक्टिवी होता है, पायलोरस प्रिजर्विंग या पायलोरस रिमूविंग होता है। पायलोरस रिमूविंग में विपल्स प्रोसीजर आ जाता होता है। विपल्स प्रोसीजर में क्या क्या निकाल देते होते हैं? विपल्स प्रोसीजर में आप डिस्टल स्टोमक पायलोरस निकालते हैं, पूरा ड्यूडेनम निकालते हैं और जुजिनम वगैरह निकाल देते हैं, गाल ब्लैडर निकालते हैं, सीबीटी निकालते होते हैं और हेड ऑफ पेनक्रियास निकाल देते होते हैं। और इसकी रिस्टोरेशन कैसे करते हैं? हेपाटिको जुजिनोस्टमी, पेनक्रियाटिको जुजिनोस्टमी और इसके अलावा गेस्ट्रो जुजिनोस्टमी वगैरह कर सकते होते हैं। इसके अलावा अगर आपने जॉन्डस को रिलीव करना है तो सर्जिकल बिलरी बाईपास करेंगे और स्टंट डालेंगे ईआरसीपीसी और पीटीसी से। ओके, इसके अलावा गैस्ट्रिक एम टैंक को इंप्रूव करेंगे। कैसे इंप्रूव करेंगे? सर्जिकल गैस्ट्रो इंट्रोस्टमी कर देंगे और ड्यूडिनल स्टंट से कर सकते होते हैं। पेन की रिलीफ कैसे करेंगे? सिलिप प्लेक्सिस ब्लॉक से और ट्रांसथोरेसिक सप्लैंकनेक्टमी से। ठीक हो गया, मेन सिलिप प्लेक्सिस ब्लॉक का रट्टा मार लेना। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए एंजाइम की रिप्लेसमेंट देंगे, फोस्टिटोरी और डायबिटीज को ठीक करेंगे और जुवन के अंदर एफ जी से रट्टा मार लेना जो कीमोथेरापी होती है, 5-फ्लोरोयूरासिल और जेमसी सिटाबीन होती है। क्लियर, ठीक हो गया। अब इसके लिए दो तरह की सर्जरी है, लॉन्ग बाय ट्रैवर्सो आ जाएगा और दूसरा आपका आ जाता होता है लाइक विपल्स आ जाता होता है। अब लॉन्ग मार्ट ट्रेवर्सो में क्या होता है? पायलोरस को बचा लेते हो 2 सेंटीमीटर और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को बचा लेते होते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेनक्रियाटिक ड्यूडिनेक्टमी तो वो क्या होती है? डिलेड गैस्ट्रिक एम टैंक होती है। सर्वाइवल रेट क्या होता है? 5% जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है 1 से लेकर 2% होता है एमसीक्यूज में, लेकिन सर्जरी कर लोगे तो 15 से लेकर 20% तक बढ़ जाता होता है। इसके बाद एक्यूट पेरिटोनाइटिस है। एक्यूट पेरिटोनाइटिस में सारे फीचर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, और ये किसी एक्यूट प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी एसवीपी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, हेमाटोजेनस इन्फेक्शन की वजह से, जो सेकेंडरी होता है विसरा की परफोरेशन की वजह से या अपेंडिसाइटिस की वजह से हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सेकेंडरी है वो टाइफाइड की परफोरेशन की वजह से, और जो प्राइमरी होता है एक्सोजीनस कंटामिनेशन की वजह से हो सकता है लाइक टाइफाइड की परफोरेशन को रिपेयर कर रहे थे। ओके, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? तो वो डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल एस्पिरेशन होता है। कब पॉजिटिव कहते होते हैं? डब्ल्यूबीसी 500 से ऊपर हो या जो आरबीसी है 1 लाख से ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया, इसके अलावा आप सॉरी इन्वेस्टिगेशन करा लोगे लाइक चेस्ट एक्सरे करा लोगे, सब डायफ्रामेटिक स्पेस मिलती है। एबडोमिनल एक्सरे करा लोगे, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो डायलेटेड गैस फील्ड लूप मिलता है। अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन करा लोगे। मैनेजमेंट के अंदर आपने सारा रिससिटेशन करनी होती है और आपने क्या करना है? लैप्रोटॉमी करना है। लैप्रोटॉमी के अंदर क्या होता है? पेरिटोनियल कैविटी को वॉश करोगे नॉर्मल लाइन से, आपने रिमूव को या डाइवर्ट कर देना कास्ट को, पेरिटोनियल लिवाज या ड्रेनेज आपने करनी होती है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके, लाइक ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो ये जल्दी जल्दी कर लेते होते हैं। ओके, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज का पॉजिटिव होता है जब आरबीसी 1 लाख से ऊपर आपको देखने को मिलते होते हैं। अगर किसी पेशेंट को लीवर का ट्रामा, पेशेंट हिमोडायनेमिकली स्टेबल है तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना होता है। ओके, मॉनिटरिंग करनी होती है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन नॉन जी आई पेरिटोनाइटिस वो क्लैमिडिया की वजह से होता है। सेप्लेनेक्टमी की इंडिकेशन पोरफायरिया नहीं होती, ट्रामा की वजह से होती है। ओके, ऑप्सी के अंदर आपके मेनिंजोकोकस, निमोकोकस, इसके अलावा और कौन सा होता है लाइक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप भी होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इक्लेजिया कार्डिया, ओके, तो वो होती है मैनोमेट्री होती है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, मेरी मेरे यहाँ लाइट चली गई है, मैं वीडियो को रोक भी नहीं सकता क्योंकि मैंने वीडियो को एडिट नहीं करना, मैंने ऐसे ही अपलोड कर देना यूट्यूब पर। ओके, बस अल्लाह ख्याल करेगा। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है जो स्टोमक के जो कैंसर होते हैं दो तरह के होते हैं। ओके, अर्ली कैंसर और लेट कैंसर होता है। ओके, स्टोमक के कैंसर कितने टाइप के होते हैं? अर्ली कैंसर और लेट कैंसर होता है। क्लियर, सही हो गया। जो अर्ली कैंसर होता है सब म्यूकोसा में चला जाता है, लेट गैस्ट्रिक कैंसर मस्कुलारिस में चला जाता होता है। क्लियर, इसके बाद है कि ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज में मोर्टैलिटी को कम करना तो ट्राइएनोक्सैनिक एसिड देना होता है। इमरजेंसी सप्लीनेक्टमी में जिस लिगामेंट को आपने डिवाइड करना होता है वो होता है आपका लीनो रीनल लिगामेंट होता है। क्लियर, और जो आपका इलेक्टिव होती है इसमें आपके गैस्ट्रोसेप्लेनिक लिगामेंट को करना होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन एक्लिजिया कार्डिया, वो आपकी मैनोमेट्री आ जाती है। फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एब्डोमेन, तो आपको सारी रिससिटेशन की चीज़ आपको ऑलरेडी मैंने बताई भी है।
रिससिटेशन की क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हुई थी, लाइक सबसे पहले आईवी फ्लूइड्स वगैरह, एनजीटीओ वगैरह पास करना होता है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया विच इंक्रीज रिस्क, ओके, तो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया विच इंक्रीज द रिस्क। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया कैंसर में देखने को मिल सकता है, उसका जो रिस्क फैक्टर होता है वैराइटी ऑफ एगस होता है, पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर, इसके अलावा एम्फिसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस स्टोन को देखने के लिए एक्सरे कराते होते हैं, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, इसके बाद फीवर और टेंडरनेस हो गया, दैट मींस एम्पायमेंट डेवलप हो चुका है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द गॉल स्टोन तो वो क्या होती है, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होता है, एक्लोरिडिया टाइप ए गैस्ट्राइटिस में देखने को मिलता है, रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कैंसर टाइप ए या टाइप बी गैस्ट्राइटिस आ जाता है, कुर्वजियल ये कहते हैं कि गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है तो वो गॉल स्टोन की वजह से नहीं हो सकता, ओके, जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर द डिजीज ऑफ पैनक्रियास तो ईआरसीपी रख लो, वैसे इन्वेस्टिगेशन है चाहे कॉन्ट्रास्ट इनसाइटी स्कैन होता है, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर स्प्लीनेक्टमी ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है, स्प्लीन का ट्रॉमा होता है, स्प्लीन का रप्चर हो जाता है, एक्टिव हेमाटोजेनेसिस में आपने रिससिटेशन करना, फिर आपने एंडोस्कोपी करनी होती है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोस ऑफ इजेक्टमी, दोबारा यहां पे गार्ड आ गया, ओके, कोई मुझे कंफर्म कर सकता है, अगर कोई कंफर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इसोफेजियल परफोरेशन ड्यूरिंग एंडोस्कोपी जो आर्ट्रोजेनिक होती है, मोस्ट कॉमनली ये आपके अपर पार्ट को इन्वॉल्व करती है, फरेंचो इसोफेजियल जंक्शन का होती है, कोलनजियोकार्सिनोमा में भी एसिस की वजह से नहीं हो सकता, कोलोनोर्किस की वजह से हो सकता है, ओके, इन्वेस्टिगेशन फॉर इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट तो वो पीटीसी आ जाती है, बाउंड्रीज ऑफ कैलर ट्रायंगल, सुपीरियरली क्या होता है, इन्फीरियर सर्फेस ऑफ लीवर है, लैटरली सिस्टिक डक्ट और मिडिली क्या होती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, ओके, टेस्ट फॉर इसोफेजियल स्ट्रक्चर है, इसोफेजियल स्ट्रक्चर के लिए बेरियम्स वालों करा सकते होते हैं, ओके, मैनेजमेंट फॉर लीवर ट्रॉमा रिजल्टिंग इन हिमाटोमा है, ओके, हिमाटोमा है, ओके, और पेशेंट अगर स्टेबल है तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देनी होती है, पेन को रिलीव करना होता है, काज ऑफ पेरिटोनाइटिस इन द यंग तो वो इकुलाई या गोनोकोकस की वजह से हो सकता है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर गर्ड तो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग होती है, बर्ड बिग्स एंड ऑनएक्सरे तो एक्लेजिया कार्डिया में देखने को मिलता होता है, ठीक हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज है, साथ में पर्निशियस एनीमिया और गैस्ट्रिक कैंसर भी है तो टाइप बी गैस्ट्राइटिस में होता है, जिस्ट का मोस्ट कॉमन साइड लिम्फोमा की मोस्ट कॉमन साइड स्टमक में देखने को मिलती है, इंटरस्टीशियल सेल ऑफ कजाल की वजह से होती है, लीस्ट रिस्क ऑफ सेप्सिस आफ्टर स्प्लीनेक्टमी में ट्रॉमा में देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसिस है, हेपेटिक वेन की और वीनस वाइव है तो बोट चेरी सिंड्रोम देखने को मिलेगा, पेलनेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है, ग्लोबुलर मैस है, प्रोराइटिस है तो कैंसर ऑफ हेटोपैनक्रियास होता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में आपको मर्फी साइन पॉजिटिव देखने को मिलता होता है, ओके, इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन एपिगैस्ट्रिक वेन आफ्टर ईआरसीपी, ईआरसीपी की वजह से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है तो आपने कॉन्ट्रास्ट इन सीटी स्कैन कराना होता है, इसके अलावा माइलेज और लाइपेज करा सकते होते हैं, माइलेज फर्स्ट 24 आवर में और लाइपेज 72 to 96 आवर्स में देखने को मिलता है, ओके, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन और हीमोफिलिया या आपको गॉल स्टोन आलियस में देखने को मिलते होते हैं, क्लियर, रेगुलर स्ट्राइड होता है, नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अगर गॉल ब्लैडर की थिकनेस 4 मिलीमीटर से ज्यादा किया लेकिन कोई स्टोन नहीं है तो आपने हिडा स्कैन कराना होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर सप्लीनेक्टिव इन सर्जरी तो वो ट्रॉमा होती है, रेंसन क्राइटेरिया में पोटेशियम इंक्लूड नहीं होता, ओके, और बाकी सब चीज़ें आ जाती होती है, मोस्ट कॉमन इंजरी ड्यूरिंग द लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी सीबीडी की इंजरी आपको देखने को मिल सकती होती है, अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस सी और 3 सेंटीमीटर नोड्यूल है, यानी 3 सेंटीमीटर नोड्यूल का मतलब क्या है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और साथ में कोमॉर्बिडिटी भी है तो आपने फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करना होता है, ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी आपने नीमोपेरिटोनियम को क्रिएट करना होता है वेरियस नीडल से, कैसे पता लगेगा, अगर डबल क्लिक आ रही हो या रेजिस्टेंस फील हो रही हो, ओके, तो इस केस में पता लगता है कि नीमोपेरिटोनियम क्रिएट हो चुका है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एनसेट यूज है, एब्डोमिनल पेन, रिजिडिटी, टेंडरनेस, एब्सेंट बाउल साउंड है तो परफोरेटेड ड्यूडिनल अल्सर होता है, रिस्क फैक्टर फॉर द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस पैराटिस ऑफेगस होता है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर लीवर एब्सेस तो कौन सी होती है, अल्ट्रासाउंड होती है, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर कोलिसिस्टेटिस तो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी आपको देखने को मिलती होती है, हाउ टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन ऑफ लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी तो अपने फंडल अप्रोच आपने रखनी होती है, क्लियर, बेस्ट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ क्रॉसिफ इंटेक तो आपने स्किल्ड अल्डी एंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी होती है, प्रोराइटिस और डीपली जॉन्डस है तो कार्सिनोमा पैनक्रियास में देखने को मिलते हैं, अपर एब्डोमिन में टेंडरनेस है यानी एपिगैस्ट्रियम में टेंडरनेस है और पेन बैक की तरफ जा रहा है तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में होता है, ग्लोबुलर स्वेलिंग राइट हाइपरकोट्रोमिया रेस्पिरेशन से मूव कर रही है तो म्यूकस फील होती है, टेंडर एब्डोमिन है और रेस्पिरेशन से मूव नहीं कर रहा, दैट मींस पेरिटोनाइटिस है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज में देखने को मिल सकता है, 71 ईयर ओल्ड प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया इसोफेजियल कैंसर है तो इसो आपने क्या कराना होता है, इसके लिए अपर जी एंडोस्कोपी वगैरह करानी होती है, अगला सवाल ऐसे ही है, फर्स्ट फॉर द ब्रेड पहले सॉलिड के लिए हुआ अब लिक्विड्स के लिए हो गया तो कैंसर हो सकता है, एंडोस्कोपी आपने करानी होती है, वेट लॉस प्लस टेंडर काफ है तो माइक्रोटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक कैंसर में होता है, ओके, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट है अचानक ब्रीदिंग स्टॉप कर देता है तो मर्फी साइन आपको देखने को मिलता होता है, अल्कोहल की वजह से आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आपको देखने को मिलता होता है, ट्रॉमा टू द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जिसकी वजह से शॉक हो गया तो स्प्लेनिक इन्फार्क्शन वगैरह हो जाएगा, ओके, ठीक हो गया, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पे आपका मेनली वो स्प्लीन आ जाता होता है, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सफीरोसाइट हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट स्प्लीनेक्टमी होता है, प्लूरल इफ्यूजन है, राइट हाइपरकॉन्ड्रियल में टेंडरनेस है आफ्टर द एपेंडेक्टमी, ओके, एपेंडेक्टमी के बाद आपको क्या देखने को मिल सकता होता है, सबफेनाइनिक एब्सेस आपको देखने को मिल सकती होती है, पेन रेडिएटिंग टू द टिप ऑफ शोल्डर एंड टेंडरनेस इन राइट हाइपरकॉन्ड्रियल, ओके, ठीक हो गया, राइट हाइपरकॉन्ड्रियल में टेंडरनेस होता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस वगैरह आ जाएगा, एनसीएन फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर तो मिड लाइन एनसीएन आप देते होते हैं, क्लियर, मैनेजमेंट ऑफ फॉर पेशेंट विद हेमाटोमेसिस कोर्स लीवर ईएसटी एएलटी एलिवेटेड है तो एंडोस्कोपिक पैन लाइगेशन है,
इन्वेस्टिगेशन फॉर परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज, एक्सरे एब्डोमेन, करालो के नीमा पेरिटोनियम मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इन पोस्ट कोलिसेस्टेक्टमी बाल डक्ट इंजरी, तो आपने टी ट्यूब की इंसर्शन करनी होती है, क्लियर, ईआरसीपी करना और स्टंटिंग आपने करनी होती है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन अपर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस के मसल कार्सिनोमा होता है। गैस इन गॉल ब्लैडर कोलिसिस्टो एंड टायरिक फिस्टुला में या कोलिसिस्टो ड्यूटिन और फिस्टुला में देखने को मिलता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक लेजर गार्डी हेलोस्मायोटोमी होता है। रेस अमाइलेस लाइपेस एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में होता है। हिस्ट्री ऑफ सप्लीनेक्टेमी और ईयर की एंट्री लेफ्ट लोअर जोन में कम हो गया, तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन शुड बी एटीलेक्टेसिस। मैनेजमेंट इन केस ऑफ सक्सेशन सप्लाश, तो गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी करनी होती है, न्यूमैटिक डायलेटेशन करनी होती है। अगर सप्लीनेक्टेमी में डिले आ रहा है तो आपने न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन देनी होती है, दो हफ्ते पहले दे देते होते हैं। ओके, मैनेजमेंट इन टाइप टू हाइडल हर्निया, तो पार्शियल फंडोप्लिकेशन आ जाती है। टाइप टू कम रोलिंग या पैरासिफेजियल कहते होते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन एक लेजर काटी तो मैनोमेट्री आ जाती है। सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन, टेन स्टैंडर्ड एब्डोमिनल है। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एनसेट यूज है। फॉर रूमेटेड आर्थराइटिस, तो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज आ जाता है। ब्लड एब्डोमिनल ट्रॉमा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, तो सप्लीन आ जाता है। ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर सप्लीनेक्टेमी और उसमें ऑप्सी होने के चांसेस कम होते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर पैनक्रियाटिक डिजीज, तो ईआरसीपी आ जाती है। सीवियर राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन है। पाल्पेबल टेंडन मैस और फीवर है, तंपाई में होता है। डायबिटिक और शार्कोट ट्राइड, तो पायोजेनिक लीवर आपसे जाता है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट इन पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा 1-2% होता है। पेनलेस स्वेलिंग इन द अम्बिलिकल रीजन, जो कि फ्रीली मूव करती है। जोन ऑफ हाइपर रेजोनेंस देखने को मिलता है, तो इमेजेंट डायरेक्ट सिस्ट होती है। पेन और रिजिडिटी कब होगा, जब हैमरेज, रप्चर या टॉर्शन होगा। रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर एनुलर पैनक्रियास और ड्यूडिनम की ऑब्स्ट्रक्शन, तो ड्यूडिनम और ड्यूडिनोस्टोमी कर लेते हैं या जुजिनोस्टोमी भी कर सकते हैं। इसोफेगस के कैंसर दो तरह के होते हैं, लोअर वन थर्ड में हो तो एडिनोकार्सिनोमा और अपर वन थर्ड में हो तो आपका स्क्वेम मसल कार्सिनोमा होता है, एक लेजर की वजह से देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं लोअर जीआईटी स्टार्ट करते होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इलियोसीकल ट्यूबरक्लोसिस। पहले तो पल्मोनरी टीबी की हिस्ट्री होगी, फीवर का, वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा, और इसकी तीन टाइप होती है, अल्सरेटिव, हाइपरप्लास्टिक और सेक्लेरेटिक होती है। जो अल्सरेटिव टाइप होती है इसमें आपको डायरिया, वेट लॉस, डीप ट्रांसवर्स अल्सर देखने को मिलते हैं। जो हाइपरप्लास्टिक टाइप होती है इसमें आपको एब्डोमिनल पेन, इंटरमीडिएट डायरिया देखने को मिलेगा, और यानी इसमें भी डायरिया, वेट लॉस होगा, लेकिन अल्सरेटिव में डीप ट्रांसवर्स अल्सर होते हैं, जबकि हाइपरप्लास्टिक में आपको मैस मिलता है, राइट एलिफोसा में डूई मैस होता है। सिक्लेरेटिक टाइप में आपको नैपकिन रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसके अलावा रट्टा मौलाना स्मॉल बाउल ट्यूबरक्लोसिस में लार्ज फुल स्मेलिंग स्टूल होती है, और लार्ज बाउल ट्यूबरक्लोसिस में स्मॉल ब्लड स्टेन स्टूल आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, तो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, क्योंकि राइट एलिफोसा में मैस क्रिएट कर देता होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इलियोसीकल ट्यूबरक्लोसिस टीबी, क्रॉन्स, और इसके अलावा टीबी, क्रॉन्स या आपको सारे कहाँ अफेक्ट करते होते हैं, टर्मिनल आइलियम को अफेक्ट करते होते हैं। टीबी, क्रॉन्स, टाइफाइड, टर्मिनल आइलियम को अफेक्ट करते होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस कौन सी होती है, अल्सरेटिव होती है, डीप ट्रांसवर्स अल्सर आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, तो इंटेस्टिनल जो इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस होती है, इसकी हाइपरप्लास्टिक टाइप में इस स्नारी हाइपरप्लास्टिक का दिया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हाइपरप्लास्टिक में आपको मैस मिलेगा राइट इलिफोसा के अंदर। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करा लो, कि सीबीसी करा लो, कि एनीमिया होगा, ईएसआर करा लो, कि रेस्ट होगा, एल्ब्यूमिन कम होगा, अल्कलाइन फास्फेटेस के लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। इमेजिन के अंदर क्या करा लो, कि एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा लो, कि जिसमें क्या मिलेगा, क्लब सैंडविच या स्लाइस ब्रेड साइन देखने को मिलता होता है, लाइक जो फ्लूइड होता ना वो बोवल लूप्स के दरमियान में देखने को मिलता है ड्यू टू लोकल एक्सुडेशन। एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी होता है, ये विजुलाइजेशन के लिए और बायोप्सी भी ले सकते होते हैं। ओके, अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अपने राइट इलिफोसा के मैसेज को रट्टा मार लेना होता है, लाइक क्रॉन्स डिजीज की वजह से, या सिकल कैंसर है, क्रॉन्स डिजीज है, सिकल कैंसर है, एक्टिनोमायोसिस है, क्लियर, लिम्फोमा या पेंडिकुलर मैस वगैरह आ जाता होता है, क्लियर, ऑलमोस्ट ही हो जाएगा। इसके बाद है, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ सर्जरी इन केस ऑफ इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस है, तो अगर किसी को मैल अब्जॉर्प्शन है या ऑब्स्ट्रक्शन है, परफोरेशन है, पैरोटिनाइटिस है, जीआई हेमरेज है, इसमें अपनी सर्जरी करनी होती है। पहले तो आप ईटीटी चलाते होते हैं, आइसोनियाज़ा, ट्रिफेम्पिन, पिराज़िनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, और सर्जरी क्या करते हैं, स्ट्रक्चरोप्लास्टी या उस पूरे सेगमेंट की रिसेक्शन कर देते हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसके बाद टॉक्सिक मैकाकोलोन है, टॉक्सिक मैकाकोलोन कब लेबल करते हैं, जब आपको आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन, सेप्सिस वगैरह मिल रही हो, और अल्सरेटिव कोलाइटिस की वगैरह हिस्ट्री भी आपको देखने को मिले पास्ट की। ओके, ठीक हो गया, ये हो जाएगा। ओके, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की हिस्ट्री हो और है ना, और अगर आप एक्सरे करा लोगे तो ट्रांसवर्स कोलन का जो डायमीटर है 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिले। ओके, और पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, टारी आपको देखने को मिले, तो ये आपने टॉक्सिक मैकाकोलोन लिखना होता है। ओके, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आप सिंपल लिख सकते हो अगर आपको श्योर है कि टॉक्सिक मैकाकोलोन है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा लोगे, यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन लिखी है, तो मेन रट्टा मारना जो पीएन का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसिस, कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी वगैरह करा लेती होती है, इसमें आपको कंटिन्यूस इन्फ्लेमेटरी लेकिन आपको देखने को मिलती है बायोप्सी के अंदर। ओके, नहीं बायोप्सी नहीं, कोलोनोस्कोपी के अंदर डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन होती है, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लड इल्यूमिन आपको देखने को मिल सकता होता है। इसके अलावा आप एब्डोमेन में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी कोलोनोग्राम, अल्ट्रासाउंड करा सकते होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, जनरल बायस के अंदर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक डिहाइड्रेशन को ठीक करना होता है, बस रट्टा मार लेना। मेडिकल के अंदर क्या होता है, अगर माइल्ड डिजीज है तो ईएसए इस्तेमाल करेंगे, अगर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है, इंडक्शन करना है तो प्रेडनिसोलोन है, मेंटेनेंस के अंदर अमीनोसैलिसिलेट है। इसके अलावा अदर्स के अंदर इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स और विडोलिज़ुमैब है। अगर रिफ्रैक्टरी है या किसी को परफोरेशन, पैरोटिनाइटिस है, न्यूप्लेजिया है, टॉक्सिक मैकाकोलोन है,
या सीवियर डिजीज है, मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा, तो इस केस में आपने सर्जरी करनी होती है। सर्जरी क्या होती है? टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद इलियो इनल पाउच एनास्टोमोसिस आ जाएगा, या पैन प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद इलियोस्टमी आ जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस के अंदर एंटी टीएनएफ और थायोपिनिन दे देते होते हैं, क्लियर। और जो जो आप पाउच क्रिएट करते हो ना इलियो इनल पाउच एनास्टोमोसिस, तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? पाउचाइटिस आपको देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन। इसके अलावा स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन या फिस्टुला होता है। कब सर्जरी करते होते हैं? आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, परफोरेशन है, पैरोटिनाइटिस है, मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, न्यूप्लेजिया है, क्लोन की ब्लीडिंग है, या टॉक्सिक मैकाक्लोन है, ठीक हो गया। ओके तो बट आधा कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एक्यूट या क्रॉनिक हो सकती है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में टॉक्सिक मैगाक्लोन हो सकता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन या सीवियर हैमरेज आपको देखने को मिल सकता होता है। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या होता है? क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में प्राइमरी सर्कुलराइजिंग कोलेंजाइटिस है, ओके, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, यूवीआईटिस हो सकता है, सैक्रिलाइटिस हो सकता है, रिथिमोनोडिज्म आइडाइटिस वगैरह हो सकता होता है, क्लियर, सही हो गया। अब इसकी सिवियरिटी को चेक करने के लिए ट्रू लवविट्स क्राइटेरिया होता है। ट्रू लवविट्स क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें होती है? टेम्परेचर, हार्ट रेट, ईएसआर, ओके, हेमोग्लोबिन है, मूवमेंट्स पर डे है, उसके अलावा आपको क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। बस रट्टा मार लेना कि अगर माइल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है इसमें जो बोवल फ्रीक्वेंसी होती है 4 से कम होती है, मॉडरेट में 4 से लेकर 6 होती है, और सीवियर में क्या होती है? 6 से ज़्यादा देखने को मिलती होती है। ब्लड स्टूल आपको सीवियर में देखने को मिलता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। और सब चीज़ें खराब हो जाती होती है सीवियर के केस में, जबकि टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन, ईएसआर नॉर्मल होता है मॉडरेट पे। इसके बाद क्रॉन्स डिजीज़ है। क्रॉन्स डिजीज़ में मैल अब्सॉर्प्शन होती है और स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। डायरिया, मलेरिया, एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलता होता है, और एफ्थस अल्सर होते हैं। इसके अलावा आपको पेरिनल फिस्टुला भी देखने को मिल सकता होता है, और आप कोलोनोस्कोपी करा लोगे तो स्किप लीगन होती है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। क्रॉन्स डिजीज़ में जो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होती है एफ्थस अल्सर होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है? जो म्यूकोसल स्ट्रिप होती है वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर क्रॉन्स डिजीज़, तो सीटी एंटीरोकोलाइसिस होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्लोनोस्कोपी होता है। रेक्टम की इन्वॉल्वमेंट हमेशा अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, रेक्टम सेपरेट हो जाता है क्रॉन्स डिजीज में। फिस्टुला फॉर्मेशन स्ट्रक्चर आपको क्रॉन्स में देखने को मिलता है, कैंसर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, पीएन का अल्सरेटिव में होती है, जबकि अस्का आपको क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलती है। स्किप लिगन आपको देखने को मिलती है, स्किप लिगन ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन ये आपको देखने को मिलती है क्रॉन्स में, जबकि कंटिन्यूस लिगन है और म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन है ये आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलती होती है। एंटीबॉडी देख लो, अस्का आपको मिलती है क्रॉन्स में, और जो पीएन का होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलती होती है। ओके अगर आप स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू करा लोगे तो आपको कोबल स्टोन अपीयरेंस होती है, ओके, स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर आपको देखने को मिलता होता है, बोवल वाल थिकनिंग होती है, और एंट्रल नर्विंग आपको देखने को मिलती होती है। ओके अब क्या सर्जिकल थेरेपी है फॉर द कॉम्प्लिकेशन? अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चरोप्लास्टी आपने करनी होती है, इसके अलावा टेम्परेरी लूप इलियोस्टोमी वगैरह करनी होती है। ओके इसके अलावा कोलेक्टमी, प्रोक्टेक्टमी और प्रोक्टोकोलेक्टमी विद इलियोसिकल एनास्टोमोसिस, ओके, ये आप क्रिएट कर लोगे, स्ट्रक्चरोप्लास्टी या टेम्परेरी लूप इलियोस्टोमी, कोलेक्टमी, प्रोक्टेक्टमी। और जो सर्जरी होती है ये पेलिएटिव होती है क्रॉन्स में, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्यूरेटिव होती है। इसके बाद मैक्रोस्टैवर्टिकुलम पे आ जाती है। मैक्रोस्टैवर्टिकुलम में क्या होता है? पेरिएम्ब्लाइकल पेन होता है, लेकिन राइट इलीफ में शिफ्ट नहीं करता होता। मिलीना की हिस्ट्री होती है, और इसमें क्या होता है? इसमें रूल ऑफ टू अप्लाई होता है। रूल ऑफ टू का मतलब है 2% प्रीवैलेंस होती है, 2 इंच इन लेंथ होता है, 2 फीट प्रॉक्सिमल टू द इलियोसिकल वाल्व होता है, ओके, 2 फीट प्रॉक्सिमल है, 2 इंचेस इन लेंथ है, और हाफ ऑफ दीज होते हैं जो सिप्टोमेटिक होते हैं लेस देन 2 ईयर्स। ओके जो मैक्रोस्टैवर्टिकुलम होता है बच्चों के अंदर हैमरेज करा देता होता है, फ्रेश ब्लीडिंग होती है, ओके, रेड कुरंट जेली स्टूल आपको देखने को मिलता है, नहीं वो तो इंटरसेप्शन में देखने को मिलता है। ओके इसमें भी एक स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है, मैरून कलर्ड ब्लीडिंग होती है, मैरून कलर्ड ब्लीडिंग होती है, मैरून कलर्ड ब्लीडिंग है। इसके अलावा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन अडल्ट में आपको देखने को मिल सकता होता है, इसके अलावा मैकल डाइवर्टिकुलाइटिस है, इंटरसेप्शन है, और क्रॉनिक अल्सरेशन होता है। नेक्स्ट है कोलोरेक्टल कैंसर, 50 साल से ऊपर का होगा। कोलोरेक्टल कैंसर राइट साइड का हो सकता है, लेफ्ट साइड का हो सकता है। अब जो आपका होता है ना लेफ्ट साइड के ट्यूमर्स होते हैं, इनका डायमीटर कम होता है, डेट इज वाई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, अल्डी प्रेजेंटेशन होता है, फ्रेश डार्क ब्लीडिंग देखने को मिलती होती है। जो राइट साइड का होता है डायमीटर ज़्यादा होता है, डेट इज वाई लेट प्रेजेंट करते होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, और जिसमें होते हैं ना ब्लड होता है वो स्टूल से मिक्स हुआ पड़ा होता है, यानी जो लेफ्ट साइड ट्यूमर होते हैं अर्ली प्रेजेंटेशन होती है, बोवल हैबिट्स में अल्टरेशन होकर रेक्टल ब्लीडिंग होता है। जो प्रॉक्सिमल ट्यूमर होते हैं राइट साइड के होते हैं लेट प्रेजेंटेशन होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, और रेक्टम के कैंसर में क्या होता है? फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन, उसके लिए जोर लगाना पड़ता होता है, प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन होता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, और मेटास्टैटिक सेपरेट पॉजिटिव होता है, क्लियर। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाती है, पहले तो बेस लाइन्स करा लोगे, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, कॉगुलेशन प्रोफाइल है, कन्फर्मेटरी टेस्ट में डी आ रही है, और जो इन्वेस्टिगेशन है चॉइस होती है डायग्नोसिस के लिए। अगर क्लोन का कैंसर डायग्नोस करना है तो क्लोनोस्कोपी और बायोप्सी है, और अगर आपने रेक्टम के कैंसर को डायग्नोस करना तो रेक्टो रिजिड सिग्मोइडोस्कोपी और बायोप्सी है। इन शॉर्ट क्लोन के कैंसर में डायग्नोसिस के लिए क्लोनोस्कोपी और बायोप्सी, और स्टेजिंग के लिए क्या करते हैं? कॉन्ट्रास्ट इनान सिटी स्कैन, चेस्ट का, एब्डोमेन का, पेल्विस का। इसके अलावा डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनीमा दोगे तो एप्पल कोर या नैपकिन रिंग अपीयरेंस आपको देखने को मिलती होती है। रेक्टम के कैंसर में क्या होता है? रिजिड सिग्मोइडो सकोपी होती है, और ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेते होते हैं स्टेजिंग के लिए, ठीक हो गया।
इसलिए बात हम आ जाते हैं इसकी स्टेजिंग पर। इसकी स्टेजिंग दो तरह की होती है, ड्यूक्स या टीएनएम स्टेजिंग होती है। ड्यूक्स में क्या होता है, ए का मतलब है इन्वेजन ऑफ बट नॉट ब्रीचिंग द मस्कुलरिस प्रोप्रिया। ओके, मस्कुलरिस प्रोप्रिया को इन्वेट करा लेकिन उसको ब्रीच नहीं करा होता है। ओके, बी का मतलब है बी से ब्रीच होता है, बी से क्या होगा, ब्रीच करेगा मस्कुलरिस प्रोप्रिया को। सी का मतलब है लिम्फ नोड है, और डी का मतलब होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस होता है। इसके अलावा टीएनएम को रट्टा मालो, टी1 का मतलब है सबमिकोजा, टी2 का मतलब मस्कुलरिस प्रोप्रिया, टी3 का मतलब है पेरिकोलिक फैट या सब सिरोजा को इन्वॉल्व करता है लेकिन सिरोजा को ब्रीच नहीं करा। टी4 में सिरोजा को ब्रीच कर देगा, किसी और ऑर्गन में घुस जाएगा। N1 का मतलब है एक से लेकर 3 लिम्फ नोड, N2 का मतलब है 4 या 4 से ज्यादा लिम्फ नोड, M1 का मतलब होता है मेटास्टेसिस होता है। क्लियर? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी होता है। अगर सीकम को कैंसर है, सीकम के कैंसर में अपने राइट हेमिकोलेक्टमी करनी होती है। क्या क्या स्ट्रक्चर निकालती है, सीकम निकाल देते हैं। ओके, इसके अलावा क्या निकालते हैं, सीकम निकाल दिया आपने, सर्निक कोलोन निकाल दिया, और आपने क्या निकालना होता है, आपने डिस्टल 30 सेंटीमीटर ऑफ आइलियम निकाल देना है, प्रोक्सिमल राइट या प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन निकाल दिया, डिस्टल 30 सेंटीमीटर ऑफ टर्मिनल आइलियम है, फैट और लिम्फ नोड का आपने निकाल दिया। और किन स्ट्रक्चर को आपने प्रिवेंट करना है, इंजरी से बचाना होता है, निमोनिक डग, DUG, ड्यूडिनम, जुनेटर और गुनेडल वेसल आ जाती होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते होते हैं सर्जरी फॉर रेक्टल कैंसर है। रेक्टम के कैंसर में डिपेंड करता है कि ट्यूमर एनल वर्ड से कितने फासले पे है। अगर ये लेस देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो आपने APR करनी होती है, और इसमें आपने परमानेंट कोलोस्टोमी क्रिएट करनी होती है। अगर ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का है तो आपने लो इंटीरियर रिसेक्शन करना होता है, टेम्प्रेरी कोलोस्टोमी की जरूरत होती है। और हार्टमैन प्रोसीजर हम करते होते हैं एल्डरली या अनस्टेबल पेशेंट में। हार्टमैन प्रोसीजर एक और जगह पर भी आएगा, सिग्मॉइड डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर या सिग्मॉइड वल्वुलस के अंदर। ठीक हो गया, कीमोथेरेपी करोगे 5-फ्लोरोक्विनोलोन या फोलिनिक एसिड के साथ, और रेडियोथेरेपी करोगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिकरेंस होता है। अब प्रोग्नोसिस ऑफ ड्यूक स्टेजिंग, ओके, जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है, ड्यूक स्टेज 1 में 90 होता है, बी में 60 होता है, ओके, सी में 30% होता है, और जो डी में होता है लेस देन 15% आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं कंफर्मेटरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में DRE करना होता है। स्क्रीनिंग कैसे करते होते हैं, स्क्रीनिंग के लिए 3 तरह के मेथड होते हैं, एनुअल, फिकल, ओकल ब्लड टेस्ट, इसको ग्वैक टेस्ट कहते हैं। हर 5 साल के बाद अपने फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करानी होती है, या हर 10 साल के बाद अपने कोलोनोस्कोपी करानी होती है जिनमें टेस्ट पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस है, लाइक सर्जरी तो आपने हर एक में करनी होती है, कीमोथेरेपी अपने स्टेज 3 और 4 में स्टार्ट करते होते हैं, यहाँ पे रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी मिलने ना रेक्टम के कैंसर वगैरह में इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? जो कीमोथेरेपी होती है क्लोन के कैंसर में एडजुवेंट होती है, और रेक्टम कैंसर रेक्टल के कैंसर में क्या होती है, नियोएडजुवेंट होती है। यहाँ पे लिखा हुआ रेडियोथेरेपी इज ओनली हार्मफुल इन क्लोन कैंसर, नो, ये उसके कैंसर के लिए होती है, रेक्टल के कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर होता है कोलोरेक्टल रीजन का वर्टिनो कार्सिनोमा होता है, और इनल किनाल में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो सर्जरी होता है, जबकि इनल कैंसर में अपने नाइग्रो रेजिमन को फॉलो करना होता है, कीमो रेडिएशन होती है। सर्जरी में क्या क्या करते होते हैं, राइट हेमिकोलेक्टमी, सेगमेंट कोलेक्टमी, लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी, लो इंटीरियर डिसेक्शन है। कीमोथेरेपी के अंदर फोलफॉक्स और कैपियोक्स रेजिमन होता है, फोलफॉक्स में 5-फ्लोरोविरासिल, लिकोबेरिन और ऑक्सालीप्लेटिन है, कैपियोक्स में क्या होता है, कैपिसेटेबान और ऑक्सालीप्लेटिन आ जाती होती है। क्लियर? सही हो गया, फोलफॉक्स और कैपियोक्स रेजिमन होता है। रेडियोथेरेपी के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या स्टीरियोटैक्टेड थेरेपी है, लेकिन ये रट्टा निर्माण होता है, ये बेकार है। ठीक हो गया, इसके बाद इमरजेंसी मैनेजमेंट, अगर किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह डेवलप हो गया, ठीक हो गया, ओके, माल टेंडरनेस फुलनेस द लेफ्ट इलिक वाज, इमरजेंसी में क्या मैनेजमेंट करोगे, इमरजेंसी में ना, ओके, आप इमरजेंसी में सिग्मोइडोस्कोपी करोगे, थेरापेटिक कोलोनोस्कोपी वगैरह कर लोगे, और कोलोस्टोमी वगैरह क्रिएट कर दोगे। क्लियर? ऐसे इमरजेंसी में कोलोस्टोमी क्रिएट करना आसान काम नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओके, अब कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, बट आधा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी की कोलोस्टोमी या इलियोस्टोमी के लिए बनाई है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन और लेट कॉम्प्लिकेशन है। जो अर्ली कॉम्प्लिकेशन होती है, ओके, लेस देन 30 डेज में आपको देखने को मिलती होती है। इसका निमोनिक है BDS, बी से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, और डी से क्या होता है, डायरिया होता है, एस से क्या होता है, स्टोमल नेक्रोसिस देखने को मिलती है। और जो लेट कॉम्प्लिकेशन होती है, ये आपको 30 डेज से ज़्यादा में देखने को मिलती होती है। लेट कॉम्प्लिकेशन में आपने 4 एस रट्टा मारने हैं। ओके, नंबर 1 क्या होता है, स्टोमा की रिट्रैक्शन होता है, नंबर 2 स्टोमा की स्टीनोसिस होता है, नंबर 3 स्टोमा का हर्निया होता है, नंबर 4 स्पिलेज ऑफ कंटेंट होता है वुंड में। तो स्टोमा की रिट्रैक्शन, स्टोमा की स्टीनोसिस, स्टोमा का हर्निया होता है, और स्पिलेज ऑफ कंटेंट इन द वुंड होता है। एडवाइस फॉर द रिवर्सल ऑफ कोलोस्टमी, ओके, क्लोजर को आपने डिलेट करना है जब तक कि उसकी कंडीशन रेजोल्यूट ना हो जाए, यानी पेशेंट की हेल्थ रिकवर ना हो जाए, इन्फ्लेमेशन खत्म ना हो जाए, उस वक्त तक आपने कोलोस्टमी को चलाना होता है। और रिवर्स करने से पहले, कोलोस्टमी को रिवर्स करने से पहले आपने डिस्टल लूपोग्राम कराना होता है। बट आर इंटेस्टाइनल स्टोमा, तो स्टोमा क्या होता है, आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है बोवल में, जो कि फीसेस को और फिस्टुला को बाहर की तरफ डाइवर्ट कर देती होती है, जहाँ पर हम उनको बैग में कलेक्ट कर लेते होते हैं। जो स्टोमा होता है, यानी जो इलियोस्टोमी, यानी जो स्टोमा होता है, ओस्टोमी होता है, इलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी होती है। इलियोस्टोमी राइट इलिक फोसा में होती है, जो ट्रांसवर्स या लूप टाइप कोलोस्टोमी होती है, राइट अपर क्वाड्रेंट में होती है, जबकि सिग्मॉइड वाली होती है, जिसको हम एंड टाइप बोलते होते हैं, ये आपकी लेफ्ट इलिक फोसा में होती है, ट्रांसवर्स वाली लूप टाइप होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में 4 कार्डिनल फीचर होते हैं, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ओके, डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो एडहियन आपने कब लेबल करना है, अगर किसी की पहले कोई सर्जरी हुई है या TB की कोई हिस्ट्री है, इस केस में आपने एडहियन के ऊपर जाना होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, ओके, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या कराते हैं, एक्सरे एब्डोमन सुपाइन व्यू में कराते होते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको आपको
डायलेटेड बबल आपको देखने को मिलेगा, डायलेटेड लूप्स ऑफ बबल देखने को मिलता होता है, मल्टीपल एयर फ्लूड लेवल देखने को मिलता होता है, क्लियर सही हो गया। और इसकी जो फ्लूड कौन से देते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, ये मेरे ख्याल से S1 में सवाल आया था, रिंग कलेक्टेड वगैरह देते होते हैं, ओके। और इसका स्पेसिफिक मेजर्स क्या होता है, स्पेसिफिक मेजर्स में आपने ATT देनी होती है, आइसोनियाज़ोलेट रिफैम्पिन, पिरज़ेनामाइड, इथिम्यूटोल है, ओके। इसके बाद प्राइमरी केस ऑफ एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन है, ओके, लाइक जो एडहियन होती है ना, ये वो वाइड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि 72 आवर्स की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाती होती है, ओके। और आपने कॉजेटिव एडहियन को डिवाइड करना होता है, सिरोजा के टीयर को रिपेयर करना होता है, रिकरेंट कॉजेज को आपने मैनेज करना होता है, मेनली आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चलानी है 72 आवर्स तक वो ठीक हो जाती है। अगर रिकरेंट कॉज ऑफ एडहियन है तो आपका निमोनिक कैन, CAIN, सी से क्या होता है, चाइल्ड फिलिप्स ट्रांसमेजेंटेरिक प्लाइकेशन है, तो सी से क्या, चाइल्ड फिलिप्स ट्रांसमेजेंटेरिक प्लाइकेशन होता है। ए से क्या होता है, ओके, ए से एडिसियोलाइसिस है, आई से इंटेस्टिनल इंट्यूबेशन, और एन से क्या होता है, नोबल प्लाइकेशन ऑपरेशन है। बड़े मुश्किल मुश्किल नाम है, आई डोंट थिंक सो कि ये मेमोराइज हो पाएगी, अगर देख लो, अगर याद होते तो ठीक है, अदरवाइज इतने जरूरी नहीं है। वट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, अर्ली मैनिफेस्टेशन एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलता होता है, और लेट कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें साइंस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन देखने को मिलते हैं। साइंस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, बुखार हो गया, टेंडनेस हो गया, पेन हो गया, सेप्टिसीमिया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। नेक्स्ट है सिग्मॉइड वाल्वुलस, सिग्मॉइड वाल्वुलस में आपको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के कार्डिनल फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंशन होती है ना, लेफ्ट इलिक फोसा से स्टार्ट होती है, पेन भी आपको लेफ्ट इलिक फोसा में देखने को मिलता होता है, पैरोटिनाइटिस आपको देखने को मिलता है, या आपको ना ऑस्मोटिक लैक्सेटिव अब्यूज में देखने को मिलता है बाइपोलर डिजीज वाले पेशेंट में, ठीक हो गया। इसके बाद है कि जब आप इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे करा लोगे तो आपको क्या मिलता है, आपको कॉफी बीन या ओमेगा साइन देखने को मिलता होता है, और जो सिकल वाल्वुलस है इसमें आपको बर्ड बीक साइन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वाल्वुलस, वाल्वुलस और डायवर्टिकुलर होते हैं ना, आपको सिग्मॉइड कोलन में देखने को मिलते हैं। जो सिग्मॉइड वाल्वुलस होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, और कब सर्जरी करोगे, अगर डीकंप्रेशन फेल हो गया, गैंग्रीन हो गया, परफोरेशन या पेरिटोनाइटिस देखने को मिल रहा है, ओके, तो ये सिग्मॉइड वाल्वुलस हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या होती है, इनिशियली बने रिससिटेट आपने करना होता है, उसके बाद आपने ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है। कैसे रिलीव करोगे, सिग्मॉइडोस्कोपी करोगे रिजिड या फ्लेक्सिबल, और रिजिड और फ्लेक्सिबल सिग्मॉइडोस्कोपी करोगे, उसमें आप ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर दोगे और आप फ्लेटस ट्यूब इंसर्ट करोगे ताकि गट की डिफ्लेशन हो जाए। इसके बाद आपने सिग्मॉइड कोलेक्टोमी करनी है, फॉलोड बाय कोलोस्टोमी है। इसके अलावा और क्या करना होता है, सिग्मॉइडोपेक्सी है, पोल मिकुलिक्स और हार्टमैन प्रोसीजर आ जाएगा। इसके बाद इंट्रोसेप्शन है, इंट्रोसेप्शन में बच्चा होगा 2 से लेकर 2 महीनों से लेकर 2 साल का, रो रहा होगा, ड्राइंग अप ऑफ द लेग्स है, चाइल्ड पेल होगा, और बिटवीन द एपिसोडिक अटैक चाइल्ड लिस्टलेस होगा, बिलस कॉन्स्पिकस वॉमिटिंग होती है, रेड कुरंट जाली स्टूल आपको देखने को मिलते होते हैं। एबडोमिनल एग्जामिनेशन में क्या होता है, अम्ब्लाइकल एरिया में सॉसेज शेप लंप आपको देखने को मिलता होता है, साइन ऑफ डांस देखने को मिलता होता है, क्लियर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्रोसेप्शन बच्चों में क्या होती है, लिया कॉलिक होती है, ओके। अब इसकी जो इमेजिंग है, एबडोमिनल एक्सरे करा लोगे, टारगेट या मेनिस का साइन देखने को मिलता होता है, अल्ट्रासाउंड के लॉन्गिट्यूडनल व्यू के अंदर किडनी शेप मास होता है, और ट्रांसवर्स व्यू के अंदर टारगेट या बुल्स आई साइन देखने को मिलता होता है, यानी इन्वेस्टिगेशन में चाहे अल्ट्रासाउंड होती है, जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है वो सिटी स्कैन होता है, सोसेज शेप मास आपको देखने को मिलता है, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो बेरियम एनीमा होता है, क्लास साइन देखने को मिलता है, ओके। साइन ऑफ डांस क्या होता है, राइट इलिक फोसा की एम्प्टीनेस आपको देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, यहाँ पे जो बेरियम एनीमा ना उसमें क्लास साइन मिलता है, जो बेरियम एनीमा होता है ये डायग्नोस्टिक भी होता है, थेरापेटिक भी होता है, दैट इज वाई दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, क्लियर। तो इसमें आप हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करते हैं बाय द कॉन्ट्रास्ट एजेंट या एरनीमा से, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करते होते हैं। और सर्जरी में क्या होती है, इलियोकोलेक्टोमी प्लस प्राइमरी एनास्टोमोसिस कब करते होते हैं, जब हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन फेल हो गया फॉर द थर्ड टाइम या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो चुकी है, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन ठीक हो गया, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन कॉन्ट्रास्ट एजेंट से कर सकते हैं या एरनीमा से कर सकते होते हैं। इसके बाद वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, तो स्टेप्स ऑफ अपेंडेक्टमी, तीसरी चौथी सर्जरी आ चुकी है, अपेंडेक्टमी के क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन है, GA दोगे, पोजीशन को मेंटेन करोगे, स्किन के इंसिजन दोगे। अब जो अपेंडेक्टमी में 4 तरह के इंसिजन होते हैं, ग्रेट आयरन, रदरफोर्ड मॉरिसन है, लेंस इंसिजन होता है, लोअर मिडिल लाइन होता है, ग्रेट आयरन इंसिजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ओके, राइट एंगल टू द लाइन ज्वाइनिंग द स्पाइनोब्लाइकल लाइन होती है। स्पाइनोब्लाइकल लाइन क्या होती है, जो मैकबर्नीज पॉइंट होता है ना, लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन में पड़ा होता है, लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन में पड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं हम मैकबर्नीज पॉइंट, तो उसके राइट एंगल पे आपने देना होता है। इसके अलावा ट्रांसवर्स या लेंस इंसिजन होता है, अम्ब्लाइकल से 2 सेंटीमीटर नीचे होता है, ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन। रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन है, इसको बोलते हैं मसल कटिंग इंसिजन, यानी सारे लेयर्स को कट कर देते हैं, क्लियर। इसके बाद आपका आ जाता है लोअर मिड लाइन इंसिजन होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एब्डोमिनल वॉल का इंसिजन देना है, सबकुटेनियस टिश्यू को, फेशिया स्कार्पा को, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को काट देना है, फिर आपने ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को और इंटरनल ऑब्लिक को काटना नहीं है, बल्कि इनको क्या करना होता है, इनको स्प्लिट करना होता है, ओके। फिर आपने पेरिटोनियम को ओपन करना है बिटवीन द 2 आर्टरी फोर्सेप्स। इसके बाद आपने सबसे पहले सीकम को देखना है, सीकम को आइडेंटिफाई करना है। सीकम को कैसे देखोगे, पहले टीनियर कुलाई देखोगे, सीकम को आइडेंटिफाई किया, सीकम की बेस के ऊपर आपको अपेंडिक्स देखने को मिलता होता है। फिर आपने क्या करना होता है, इन्फ्लेमेटरी एडहियन को आपने ब्रेक करना होता है, ओके, ठीक हो गया, ओके। इन्फ्लेमेटरी एडहियन को कैसे ब्रेक करोगे, बैक वॉक फोर्सेप्स से, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेस ऑफ अपेंडिक्स है उसको लाइगेट करोगे, मीजो अपेंडिक्स को लाइगेट करोगे आर्टरी फोर्सेप्स से। इसके बाद है कि लाइक जो अपेंडिक्स को फ्री करोगे, क्रश करोगे आर्टरी फोर्सेप्स से, यानी जो आर्टरी फोर्सेप्स होता है लाइगेशन के
लिए इस्तेमाल होता है और जो अपेंडिक्स को क्रश करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपने फिर 3x0 विक्राल सुचर आपने इस्तेमाल करना है, जो कि एब्जॉर्बेबल सुचर होती है, विक्राल और कैटगट एब्जॉर्बेबल होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। और ये आपने फिर इसको निकाल लेना होता है। फिर आपने हीमोस्टेसिस को मेंटेन करना है। विक्राल 3x0 सुचर से आपने क्या करना होता है, क्लोज करना है पेरिटोनियम को, लेयर्स को क्लोज कर देना होता है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, एक पेशेंट है जिसको सारे अपेंडिसाइटिस वाले फीचर थे, लेकिन जब पेट खोला गया तो पता लगा कि अपेंडिस नॉर्मल है, लेकिन मैकल्स डायवर्टिकल आपको मिल गया। ओके, कास क्या हो सकता है, मैकल्स डायवर्टिकल हो सकता है, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल क्लिनिकली मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस को एक्यूट अपेंडिसाइटिस से डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, अप्रोच ऑन सींग नॉर्मल अपेंडिक्स, जब आपको नॉर्मल अपेंडिक्स मिल जाए ना, तो आपने क्या देखना होता है, आइलियम को देखना होता है, टर्मिनल इलियाटस को, मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस को, और ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस को आपने रूल आउट करना होता है फीमेल्स में। ठीक हो गया। ओके, और अगर नॉर्मल अपेंडिक्स मिल भी गया तो फिर भी अपेंडिक्स को निकालो, कि ना बचेगा बांस ना बचेगी बांसरी। कॉमन इंसिजन ऑफ अपेंडेक्टमी, तो दो तरह के इंसिजन होते हैं कॉमन, ग्रिड आयरन और लेंस होता है। लेंस 2 सेंटीमीटर बिलो द एम्ब्लाइकस है, और ग्रिड आयरन इंसिजन कहाँ पे होता है, राइट एंगल टू द नेक बॉन्डिंग पॉइंट होता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द इंसिजन इन अपेंडेक्टमी, तो हार्ट सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है, वुंड का इन्फेक्शन हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, या एडहेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती होती है। इसके बाद राइट इलिक फोसा में मैस है, राइट इलिक फोसा में मैस है, इसके क्या डिफरेंशियल बन सकते हैं, पेरिअपेंडिकुलर फ्लेगमोन है। ओके, इसके अलावा इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस है, क्रोहन्स डिजीज है, एक्टिनोमाइसिस है, इसके अलावा इलियक लिम्फेडिनाइटिस या ओवेरियन कैंसर, मोटे मोटे आप रट्टा मार लो, लिम्फोमा, क्रोहन्स डिजीज है, इसके अलावा सिलिक डिजीज मेरे मुंह से निकल रहा था अभी। ठीक हो गया। इसके बाद है कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा लोगे, पहले तो बेस लाइन आपने सारी करा ली है, मेन जो होती है ना अपेंडिकुलर मैस के लिए या फ्लैगमोन को देखने के लिए, वो कंट्रास्ट इन सिटी स्कैन होता है, इमेजिंग करा लोगे, बेरियम एनीमा, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सिटी स्कैन करा लोगे, एमआरआई करा लोगे, बाकी अदर्स टेस्ट करा लोगे। ये तो सारे काफ़ी टेस्ट करवा दिया। ओके, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द हिस्ट्री, तो अपेंडिसाइटिस वाले पॉइंट्स पूछे गए, पेन, वॉमिटिंग, इसके अलावा फीमेल से रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन, ब्लड लॉस या ब्लीडिंग डिसऑर्डर को छोड़ दो। ओके, अगर किसी को अपेंडिकुलर मैस मिलता है तो इस केस में आपने जो रेजिमन फॉलो करना होता है वो होता है, ओके, ओशनल शेरिन रेजिमन होता है। पहले पेंडिकुलर फ्लैगबोन में आपको क्या देखने को मिलता है, ओशनल शेरिन रेजिमन। अच्छा, सिनेरियो में देख लो, राइट इलिक फोसा में मैस है, पेन है, फीवर है, वॉमिटिंग है, और मैस आपको मिल रहा है लास्ट 5 डेज से है, तो दैट मीन्स वो पेंडिकुलर एब्सेस में कन्वर्ट हो गया या कोई पेंडिकुलर फ्लैगबोन हो चुका है। तो इसका मैनेजमेंट होता है ओशनल शेरिन रेजिमन, नील पर ओरल होता है, एंटीबायोटिक देते होते हैं, ट्रिपल रेजिमन, क्या सा ट्रिपल रेजिमन होता है, निमोनिक कैम, सेफलोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मेट्रोनिडाजोल देते होते हैं, आईवी फ्लूइड थेरेपी देते हैं, एनाल्जेसिया देते हैं, मैस के साइज को देखना होता है कॉन्ट्रास्ट इन सिटी स्कैन से, और टीपीआर कराना होता है हर 4 घंटों के बाद। टीपीआर क्या होता है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट है, कॉन्ट्रास्ट इनसिटी स्कैन करना है, कोई एब्सेस है तो आपने इसको ट्रेन करना होता है। अपने पेशेंट को 3 से लेकर 4 दिन पर एसेस करना होता है, अगर पेशेंट ठीक ठाक है इसको डिस्चार्ज कर देना है, और इंटरवल अपेंडेक्टमी करना 6 से लेकर 8 हफ्ते पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो अपने रेजिमन को डिस्कार्ड कर देना है। लाइक कब करते होते हैं, अगर मैस का साइज बढ़ रहा है, वॉमिटिंग है, पेन है, पल्स रेट बढ़ रहा है, और इंटरवल अपेंडेक्टमी हमेशा 6 से लेकर 8 हफ्ते पर करते होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एनल फिशर, जिसको फिशर इन एनो कहते हैं, इसमें सीवियर पेन और डेफिकेशन देखने को मिलता है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है, म्यूकस डिस्चार्ज, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेशेंट डेफिकेशन से डर जाता है, जिसकी वजह से मजीद कॉन्स्टिपेशन होगी और मजीद एनल फिशर आपको देखने को मिलेगा। एनल फिशर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है इन द इनोडर्म ऑफ डिस्टल एनल कैनाल। ओके, डिस्टल एनल कैनाल में लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है, एनल वर्ड से प्रॉक्सिमली एक्सटेंड करता होता है। ओके, व्हाट आर द पेनफुल कंडीशन जो कि पेन कराती है एनल कैनाल की, तो निमोनिक सीट। ओके, ऐसे क्या होता है, इससे आपको देखने को मिलता होता है, मैंने तो वैसे सीट लिखा हुआ था लेकिन कोई सेंस नहीं बन रही, तो छोड़ो उसको। पेनफुल कंडीशन क्या होती है, हेमराइड्स यूजली पेनलेस होते हैं, अनलेस एंड इसमें थ्रोम्बोसिस या स्ट्रैंगुलेशन हो जाए, यानी 4 डिग्री हेमराइड होता है। इसके अलावा पायलोनाइडल साइनस है, प्रूराइटिस एनआई है, पेरिनल एब्सेस और फिस्टुलाइन इन होता है। बट आदर ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को 2 में डिवाइड करना, एक्यूट और क्रॉनिक है। ओके, एक्यूट में 6 हफ्तों से कम का, क्रॉनिक में 6 हफ्तों से ज्यादा का, और रट्टा मार लेना। एनल कैनाल में जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है क्या होती है, नंबर 1 डाइट्री फाइबर देनी है डाइट में, नंबर 2 वाटर के कंटेंट को आपने बढ़ा देना होता है, एडिक्वेट वाटर इनटेक है, नंबर 3 स्टूल सॉफ्टनर आपने इस्तेमाल करने, नंबर 4 वार्म बाथ देना होता है, सिट्स बाथ देना होता है। क्रॉनिक एनल फिशर में 6 हफ्ते से ज्यादा का ड्यूरेशन होता है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर दोगे ताकि एनल्स इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाए। तो कैसे क्या दोगे, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रेट इस्तेमाल करोगे, नाइट्रोग्लिसरीन या डिल्टियाजिन इस्तेमाल कर लोगे, बोटॉक्स इंजेक्शन दोगे इंटरनल एनल स्फिंक्टर में, और मैनुअल डायलेटेशन ऑफ एनस है। ओके, ठीक हो गया। सर्जरी के अंदर क्या होता है, न्यूटारास, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी और एनल एडवांसमेंट फ्लैप आ जाता है। क्लियर, क्रॉनिक एनल फिशर कब लेबल करते हैं, अगर 6 हफ्तों से ज्यादा का ड्यूरेशन हो, हाइपरट्रॉफिक एनल पैपिल आपको देखने को मिले, सेंटिनल टैग्स देखने को मिले, और डीप कोनी शेप या कौन शेप, डीप कौन शेप अल्सर आपको देखने को मिले, तब क्रॉनिक लेबल करना है। 6 हफ्ते से ज्यादा का, हाइपरट्रॉफिक इनल पैपिले, सेंटिनल टैग्स है और कौन शेप अल्सर है। कॉजेस ऑफ एटिपिकल प्रेजेंटेशन एंड द लोकेशन ऑफ फिशर, जो मोस्ट कॉमन होता है, पोस्टीरियर मिडिल लाइन होता है, 6 o'clock पे देखने को मिलता होता है। क्लियर, क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से इंजरी हो जाती है, और एंटीरियर मिडिल लाइन होता है, वजाइनल डिलीवरी की वजह से होता है, जो एक्टोपिक साइट होती है उसका और डिफरेंट कॉज होता है। इसके बाद फेमस
डिजीज़ हेमोराइड्स पाकिस्तान का नेशनल डिजीज़ ओके, मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मोस्ट कॉमन इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर लाइक ओबेसिटी में कॉन्स्टिपेशन में देखने को मिलते हैं, जो होते हैं ना आपके इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं 3, 7, 11 o'clock पर पोजीशन पर देखने को मिलते हैं, यानी जो प्राइमरी हेमोराइड्स होते हैं 3, 7, 11 पे होते हैं, स्कैंड्रल्स के अलावा हो सकते हैं, ब्राइट रेड पेनलेस ब्लीडिंग होती है, हेमोराइड्स यूजली पेनलेस होते हैं अनलेस एंड अंटिल वो एक्सटर्नल ना हो या थर्ड और फोर्थ डिग्री का ना हो, स्ट्रैंगुलेशन ना हो गई हो, फाइब्रोसिस ना हो गई हो या मिक्स फाइब्रॉइड ना हो, इस केस में आपको पेन देखने को मिलता होता है, वन अदरवाइज पेन लेस होते हैं, पेन होता है ओनली ऑन द प्रोलैप्स। तो हेमराइड्स की डिग्री कौन कौन सी होती है यहीं से हम आगे से पढ़ लेंगे ओके। तो हेमराइड डिफरेंट डिग्री का होता है, फर्स्ट डिग्री में ब्लीडिंग होगी कोई प्रोलैप्स नहीं होता, सेकंड डिग्री में प्रोलैप्स होता है लेकिन स्पॉन्टेनियस ठीक हो जाता है, थर्ड डिग्री में प्रोलैप्स होगा लेकिन मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है, फोर्थ डिग्री में परमानेंट प्रोलैप्स देखने को मिलता होता है। अब हेमराइड के लिए क्या करते होते हैं, हेमराइड के लिए हेमराडेक्टमी करते होते हैं, कब हेमराडेक्टमी करते हैं जब थर्ड और फोर्थ डिग्री हेमराइड होता है, सेकंड डिग्री हेमराइड जो कि ठीक नहीं हो रहा फाइब्रोस हेमराइड है या इंटरनल एक्सटर्नल हेमराइड होते हैं, तो हेमराडेक्टमी में होता ना एक स्टेपल्ड हेमराडेक्टमी है जिसको क्या बोलते हैं हम लोंगू ऑपरेशन बोलते हैं लोंगू ओके। तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक है पार पेन एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन और रिएक्शन है हेमरेज है, जो लेट कॉम्प्लिकेशन होती है इसका निमोनिक है सासी सेकेंडरी हेमरेज इनल फिशर है सब म्यूकोसल एब्सेस है और आई से क्या हो जाएगा इनकॉन्टिनेंस आपको देखने को मिलेगी, सासी सेकेंडरी हेमरेज इनल स्फिंक्चर सब म्यूकोसल एब्सेस और इनकॉन्टिनेंस आ जाती होती है ओके। जो हेमराइड्स होता है दो तरह का होता है इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, जो इंटरनल हेमराइड होता है पेनलेस होता है डेंटेड लाइन से प्रॉक्सिमल होता है फॉर एग्जांपल बैंड लाइगेशन है, एक्सटर्नल हेमराइड्स होता है पेनफुल होते हैं और ये क्या होते हैं डेंटेड लाइन से डिस्टल आपको देखने को मिलते हैं ओके। यानी एक्सटर्नल हेमराइड्स में आपने एक्सीजन करना है इस एक्सटर्नल और इसे एक्सीजन है, इंटरनल में आपने बैंड लाइगेशन आपने करनी होती है। अब हेमराइड्स में इंस्पेक्शन पे आप थर्ड और फोर्थ डिग्री हेमराइड दे सकते हैं, DRE करोगे कोलोरेक्टल कैंसर को रूल आउट करने के लिए और जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो प्रोक्टोस्कोपी होती है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है अगर फर्स्ट और सेकंड हेमराइड है तो कंजर्वेटिव है सेम कंजर्वेटिव है लाइक आपने क्या करना होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर लाइक हमें कह सकते हो कि फाइबर की डाइट देनी होती है, स्टूल सॉफ्टनर है, वाटर के इनटेक को बढ़ाना होता है, स्ट्रेनिंग को अवॉइड करना होता है, सीड्स बाद देने होते हैं। नॉन ऑपरेटिव थेरेपी क्या होती है फर्स्ट और सेकंड वगैरह में करते होते हैं, इसमें क्या होता है इंजेक्शन सक्लेरल थेरेपी होती है, इंजेक्शन सक्लेरल थेरेपी में क्या होता है केमिकल सॉल्यूशन वगैरह इंसर्ट कर देते हैं लाइक 5% फिनोल इन आलमोंड आ जाएगा जो कि ब्लड वेसल में इंजेक्ट कर देते हैं, रबर बैंड लाइगेशन है जिसमें स्मॉल रबर बैंड अप्लाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ इंटरनल हेमोराइड ताकि उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए, इंफ्रारेड फोटोकॉगुलेशन है और डॉपलर गाइडेड हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन होती है, लेकिन रट्टा मालिन रबर बैंड लाइगेशन और इंजेक्शन सक्लेरोथेरेपी है। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कब करते हैं हेमोराडेक्टमी ओपन क्लोज या स्टेपल्ड, अगर थर्ड या फोर्थ डिग्री का हेमोराइड है सेकंड डिग्री का हेमोराइड है लेकिन नॉन ऑपरेटिव ठीक से नॉन ऑपरेटिव मेथड से ठीक नहीं होना फाइब्रोस हेमोराइड्स है या इंटरनल एक्सटर्नल हेमोराइड्स होते हैं। वाओ डायग्राम भी आती है यूएचएस में, अगर ये डायग्राम आ गया है बल्कि डायग्राम और सवाल आया हुआ है मोस्ट प्रोबेबली इस साल ना आ जाए कहीं। हेमोराइड के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रेक्टल पॉलिप और रेक्टल प्रोलैप्स आपने लिखना होता है, व्हाट आर द सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो हेमोराडेक्टमी होता है ओपन क्लोज्ड या स्टेपल्ड हो सकती है या वाइड फील्ड हो सकती है। जो अपन ओपन हेमोराडेक्टमी है उसको मिलिगन मॉर्गन कहते होते हैं, क्लोज्ड को फर्ग्यूसन बोलते होते हैं, स्टेपल्ड को बोलते हैं लोंगो कहते हैं ओके ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन क्या करते होते DRE करते हैं, प्रोक्टोस्कोपी वगैरह भी कर सकते हैं, प्रोक्टोस्कोपी क्या क्लिनिकल है हमारे वहाँ तो करते हैं OPD में ओके। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखो पेनलेस ब्लीडिंग थी लेकिन अब उसको पेन होना शुरू हो गया तो क्या हो गया ट्रायंगुलेटेड या थ्रोम्बोस फोर डिग्री हेमोराइड होता है। अब ओपन हेमोराडेक्टमी वन सेकेंड एक और सर्जरी आ गई है ओके। ओपन हेमोराडेक्टमी के क्या स्टेप्स होते हैं, ओपन हेमोराडेक्टमी में इसको देख लेते हैं एक मिनट